हाँ बच्चों कैसे हो। तो आज अपना डीसीएम नंबर 33 है। आई होप आपका अच्छा हुआ होगा ना। वन बाय वन सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कहीं कोई डाउट रहा है तो आप लोग है ना अच्छे से उसको देख लें, ठीक है। एनसीईआरटी पास में रखें, ट्वेल्थ वाली, जहाँ जो लाइन बताऊँ कि यहाँ पर ये चीज़ें इस तरीके से ये कर स्टेटमेंट सही है या गलत है ना, तो वो आप लोग तुरंत एनसीईआरटी में देख के उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। शुरू करें, आओ फिर। तो इसमें बायो का ये 11th वाला पार्ट है। वैसे डीसीएम 33 है टोटल 42 में से, है ना। और इसमें जेनेटिक्स और इवोल्यूशन वाले जो टॉपिक्स हैं उसको अपन ने कवर किया है, ठीक है। लगभग 60 क्वेश्चन जेनेटिक्स से लिए हैं और 60 क्वेश्चन जो इवोल्यूशन से लिए गए हैं। अच्छे से इसको अगर आप लोगों ने कर लिया, अगर डाउट्स भी हुए रहे हैं उनको क्लियर कर लिया, जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको क्लियर कर लिया, तो लगभग टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आओ सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है उसके लिए जाना है, गलत कथन, ठीक है। तो बाय पेडिग्री एनालिसिस वन कैन इजीली अंडरस्टूड वेदर द ट्रेट इन क्वेश्चन इज डोमिनेंट और रिसेसिव। वंशावली विश्लेषण से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो ट्रेट है वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है ना। इसके अकॉर्डिंग ही अपन कहते हैं कि ऑटोसोम डोमिनेंट है या ऑटोसोम रिसेसिव, या एक्स लिंक डोमिनेंट है या एक्स लिंक रिसेसिव। तो पहला स्टेटमेंट तो ठीक है। दूसरा क्या है, एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट शो ट्रांसमिशन फ्रॉम कैरियर फीमेल टू मेल प्रोजेनी, है ना। एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट शो ट्रांसमिशन फ्रॉम कैरियर फीमेल टू मेल प्रोजेनी, यानी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हो रहा है। मदर से जो डिसऑर्डर है वो एक्स क्रोमोसोम के थ्रू किसके अंदर जा रहा है, उसके सन में। जैसे ये मान लो ये कैरियर मदर है, तो ये जो एक्स क्रोमोसोम है वो इस मेल चाइल्ड के अंदर आ गया, फादर से वाई आएगा, तो इसके अंदर डिसऑर्डर हो गया है ना। तो कैरियर मदर से एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट सन के अंदर जा सकता है, ये भी ठीक है। दूसरा है, तीसरा ऑप्शन है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर में भी डोमिनेंट और रिसेसिव मेंडेलियन डिसऑर्डर जो डोमिनेंट भी हो सकते हैं और रिसेसिव भी हो सकते हैं। एक्स लिंक डोमिनेंट है, एक्स लिंक रिसेसिव है, ऑटोसोम लिंक डोमिनेंट है, ऑटोसोम लिंक रिसेसिव है ना, ये भी ठीक है। फिर क्या लिखा है, फोर्थ वाला देखें, ये तीनों तो सही हो गए। अपने को इसमें इनकरेक्ट देखना है। नो एनी डिसऑर्डर इन ह्यूमन बींग हैज बीन फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद इनहेरिटेंस ऑफ चेंज और अल्टर जीन और क्रोमोजोम, नहीं। ये स्टेटमेंट जो वो यहाँ पर रॉन्ग हो गया। कई ऐसे डिसऑर्डर हैं ह्यूमन बींग में जो किससे एसोसिएटेड होते हैं, किसी जीन या क्रोमोजोम में जो चेंज आए हैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे सिकल सेल एनीमिया है ना, तो ऑटोसोम पर मौजूद कोई जीन है उसमें पॉइंट म्यूटेशन से वो ऑटोसोम रिसेसिव। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, जीन में चेंज से, है ना। टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये क्रोमोसोम जो है उनके नंबर में चेंज की वजह से है ना। इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट वो यहाँ पर रॉन्ग हो गया और हमारा इनकरेक्ट पूछा था, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ, ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर 2 देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज मोस्ट लाइकली अब्सेंट इन फ्री फॉर्म इन द प्रीमोडियल एटमोस्फेयर एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ के दौरान इनिशियली हाइड्रोजन हीलियम जो थे वो ऊपर चले गए थे, फिर स्टार्टिंग में कोई एटमोस्फेयर भी नहीं था ना, फिर वोल्केनिक इरप्शन हुआ जिसकी वजह से एयर के अंदर अमोनिया, मीथेन, CO2, वाटर वेपर वगैरह रिलीज हुई, और वाटर वेपर पे जब यूवी गिरी तो उसकी वजह से वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अंदर चेंज हो गया, हाइड्रोजन ऊपर चले गई, ओजोन यूवी की वजह से, सॉरी O2 यूवी की वजह से ओजोन में भी चेंज हुई, और जो O2 थी फ्री वाली वो मीथेन अमोनिया से रिएक्ट होकर उसको नाइट्रोजन H2O है ना, और जो CO2 है उसके अंदर उसको चेंज कर दिया ना? तो वाटर वेपर तो कंडेंस होकर के अर्थ पे आ गई रेन के थ्रू, और जो फ्री ऑक्सीजन थी वो यूटिलाइज हो गई। इसका मतलब है उस दौरान प्रीमोडियल एटमॉस्फेयर में फ्री ऑक्सीजन जो थी वो अब्सेंट थी, है ना। तो ये सब तो थे लेकिन ये वाला जो है फ्री फॉर्म में वहां पर नहीं था, इसलिए कंडीशन जो थी वो रिड्यूसिंग थी, ऑक्सीडाइजिंग नहीं थी, इसलिए ओरिजिन ऑफ लाइफ जो था वो पॉसिबल उस दौरान हो पाया, है ना। तो इसके अंदर आंसर कौन सा हो जाएगा, 4, ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर 3 देखें। व्हाई कलर ब्लाइंडनेस अकर इन अबाउट 8% ऑफ मेल एंड ओनली 4.4% ऑफ फीमेल। कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है,
एक्स क्रोमोसोम पे होता है, मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम है और अगर उसी पे जीन रिसेसिव है तो मेल में डिजीज हो जाएगी। फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं और अगर एक डिफेक्टिव है तो दूसरी नॉर्मल कॉपी है, इससे फीमेल में चांसेस डिजीज के कम हो गए। एक्स लिंक्ड रिसेसिव के चांसेस फीमेल में कम होते हैं, मेल में ज़्यादा हैं, क्योंकि मेल में एक ही एक्स है। और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जो डिसऑर्डर है वो एक्स क्रोमोसोम पर डोमिनेंट जीन की प्रेजेंस में होता है और उस डिसऑर्डर के चांस भी मेल में ज़्यादा है, मेल में कम है, क्योंकि फीमेल में दो एक्स है, एक भी अगर डिफेक्टिव तो डिजीज हो जाएगी, समझ रहे हो। तो इस जो डिसऑर्डर है इसका जीन एक्स क्रोमोसोम पे और एक्स क्रोमोसोम मेल के पास एक ही है, इसीलिए मेल के अंदर इस डिसऑर्डर के चांसेस क्या हैं, ज्यादा। तो पहला ऑप्शन देखें, बिकॉज द जीन दैट लीड टू रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस आर प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम, नहीं ऑटोसोम पर नहीं है, वो एलोसोम पे है और एलोसोम भी कौन सा, एक्स क्रोमोसोम, बिकॉज द जीन फॉर दिस ऑर्डर आर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, आंसर हो जाएगा अपना सेकंड, सीधा आंसर है। बाकी ऑप्शन भी देख लो आप लोग, देखना चाहो तो, कि बिकॉज दिस डिसऑर्डर इज डोमिनेंट, नहीं नहीं ये जो डिसऑर्डर है वो रिसेसिव है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में ही ये डिसऑर्डर जो है वो रिसेसिव है ना, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है यहाँ पर रॉन्ग होगा। फिर क्या है, ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन हार्मोन दिस डिसऑर्डर एक्सप्रेस मोर इन मेल एंड लेस इन फीमेल, नहीं ये जो है वो सेक्स रेस्ट्रिक्टेड या सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट नहीं होते, जिनके ट्रेट ऑटोसोम पे होते हैं उनको जरूर सेक्स हार्मोन प्रमोट करते हैं, ये तो एक्स क्रोमोसोम पर जीन है ना, तो इस पर जो है वो टेस्टोस्टेरोन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड, क्योंकि मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम की कॉपी है। तो अगर ऐसी कंडीशन में आप लोग देखें कि नॉर्मल मेल और अगर कलर ब्लाइंडनेस का जीन आ गया तो इसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी, और फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल में देखें अगर एक पर ये नॉर्मल फीमेल, ये भी नॉर्मल लेकिन कैरियर, फीमेल में कलर ब्लाइंडनेस के लिए दोनों पे जीन होना जरूरी है ना, इसलिए मेल में चांसेस ज्यादा है और फीमेल में चांसेस कम है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर फोर देखें, विच वन इज रिलेटेड विद इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का मतलब है ये अपने इवोल्यूशन के अंदर ही पहले पन्ने पे ऊपरी ऊपर वाली लाइन है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंदर जो अर्थ है उस पर जो लाइफ फॉर्म है उसकी हिस्ट्री की स्टडी होती है ना, तो स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन मार्स, मार्स नहीं हम लोग अर्थ की बात करते हैं, स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ, यही अपना यहाँ पर परफेक्ट आंसर हो जाएगा, एनसीईआरटी में गिवन भी है। स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ का नहीं है, मतलब अर्थ ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये नहीं है और ह्यूमन एवोल्यूशन के रेस्पेक्ट में भी ओनली नहीं है, तो आंसर अपना परफेक्ट कौन सा बैठेगा, सेकंड, एनसीईआरटी की लाइन है। क्वेश्चन नंबर फाइव देखें, मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है और अपने जेनेटिक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो आप लोग वन बाई वन देखें। कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का कैरियर तो डीएनए होता है ना, तो ए का हो जाएगा फोर। फिर चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल में जो कोई भी चेंजेज है उसको बोलते हैं म्यूटेशन, इसका मतलब है जो बी है उसके लिए हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर थर्ड, ठीक है। फिर है इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड कोई इनबॉर्न एरर की बात करें तो ये पीकेयू है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, जिसमें ऑटोसोम पर मौजूद किसी जीन के अंदर रिसेसिव म्यूटेशन की वजह से वो वर्क नहीं कर पाता है और ऐसे में एंजाइम की अब्सेंस हो जाती है। आपको याद होगा फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, जैसे फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में चेंज नहीं हो पाता, तो वो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड एक डिसऑर्डर है ना, तो सी जो है उसके लिए अपन मार्क कर देंगे, कौन सा, फाइव। उसके बाद कलर बॉडीज की अगर बात करें तो वो है कौन, क्रोमोसोम, एनसीईआरटी में गिवन है कलर बॉडीज के लिए, तो डी का टू हो जाएगा। उसके बाद में गेन और लॉस ऑफ ए क्रोमोसोम, मतलब मोनोजोमी या ट्राइजोमी से रिलेटेड है और उसको एन्यूप्लोइडी कहते हैं हम लोग, तो ई का हो जाएगा वन। तो ऐसे में आप लोग देख लें, ए का थर्ड ये रहा, बी का टू, बी का टू, एक मिनट रुको, ए का थर्ड नहीं, ए का कौन सा लिया अपन ने, फोर लिया है ना, तो ए का फोर ये रहा, ए का फोर, बी का थ्री लिया है, बी का थ्री यहाँ पर भी है, बी का थ्री यहाँ पर भी है, फिर क्या है, सी का फाइव, सी का फाइव यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, डी का टू ये रहा और ई का वन ये रहा, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड, ठीक है। एनसीईआरटी से ये लिए हुए हैं, तो आप लोग देखें एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें, उसमें गिवन भी है, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखें,
इवोल्यूशन से है अगेन, ठीक है। और एनसीईआरटी में इवोल्यूशन जो है उसमें पहले ही पन्ने पर इसके रिगार्डिंग दिया कि हम लोग अपने पास्ट में कब देखते हैं। हम लोग पास्ट में तब देखते हैं रात के समय क्लियर स्काई में, जब हम लोग जो स्टार्स हैं उनको देखते हैं, क्योंकि उनकी डिस्टेंस हमसे काफ़ी दूर है। तो किसी टाइम उनसे जो लाइट हमारी अर्थ की तरफ आना स्टार्ट हुई थी, तो वो जैसे आज हम तक पहुंची है। इसका मतलब है कि आज जरूरी नहीं है कि वो अपनी लोकेशन पे हो, खत्म हो गए होंगे, है ना। तो वो लाइट उन स्टार से काफी टाइम पहले चली थी और आज हम तक पहुंची है। इसका मतलब आज हो सकता है वो स्टार अपनी लोकेशन पे ना हो। तो आज अगर हम उन स्टार्स को देख रहे हैं तो हम लोग अपने पास्ट में देख रहे हैं, समझ रहे हो। तो व्हेन डू वी apparently peeping into the past, हम अतीत में कब जानते हैं, एनसीईआरटी की लाइन है। biodiversity के लिए नहीं, when we look at moon नहीं, moon तो हमारे पास में है और उससे हर दिन जो लाइट आती है वो बिल्कुल ये मान लो कि उसकी एग्जैक्ट आज की उसकी लोकेशन को शो करती है, मून के लिए नहीं होगा। when we look at the star on clear sky, बिल्कुल यही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर 7 देखें। The possibility of female becoming hemophilic is extremely rare. एक फीमेल के हीमोफिलिक होने के चांसेस काफी कम होते हैं, एनसीईआरटी की लाइन है, क्योंकि इसके लिए कम से कम मदर को तो होना पड़ेगा कैरियर, मदर को तो होना पड़ेगा क्या, कैरियर, और जो फादर है उनको होना पड़ेगा हीमोफिलिक। और हीमोफिलिक जो मेल है उनके लाइफ के लेटर स्टेज में सर्वाइवलशिप के चांसेस काफी कम होते हैं। ऐसे कंडीशन के अंदर एक हीमोफिलिक फीमेल जो है वो पैदा हो सकती है ना। तो आप लोग देखें कि फादर ऑफ सच फीमेल हैज टू बी कैरियर, नहीं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, इसमें मेल कभी भी कैरियर होता ही नहीं है, मेल में तो डिजीज ही होती है। तो पहला गलत हो गया, मदर ऑफ सच फीमेल हैज टू बी एटलीस्ट कैरियर, ये देखो कैरियर है, एंड द फादर शुड बी हीमोफिलिक, फादर हीमोफिलिक, तो आंसर कौन सा अपना हो जाएगा, सेकेंड, ठीक है। चले आओ, बाकी मदर ऑफ सच फीमेल हैज टू बी हीमोफिलिक, नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। हमने एग्जैक्ट जो परफेक्ट आंसर अपना बैठेगा वो कौन सा होगा, सेकंड, उसमें जो है फादर का भी लेना पड़ेगा और मदर का भी, और ये डिसऑर्डर जो वो डोमिनेंट है, ये डिसऑर्डर तो रिसेसिव है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। विच वन इज कंसिडर्ड इज ए यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, एनसीईआरटी में इवोल्यूशन के ही पहले पन्ने पे ये दिया है, यूनिवर्स के हिस्ट्री का सबसे यूनिक इवेंट जो है वो है ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये वाला एनसीईआरटी में गिवन है, आपको यही याद रखना है, ओरिजिन ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, कॉलिंग मैचिंग वाला क्वेश्चन है। सेलेक्ट इनकरेक्टली मेज्ड ऑप्शन विद रेस्पेक्ट टू कंपैरिजन ऑफ एस सी एंड अल्फा थैलेसीमिया, यहाँ पर एस सी और अल्फा थैलेसीमिया जो है उनका कंपैरिजन किया गया है, दोनों ही ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, एक क्वालिटेटिव है तो दूसरा क्वांटिटेटिव है। एस सी जो है उसके अंदर एक जीन है और अल्फा थैलेसीमिया जो है उसके अंदर दो जीन है, क्रोमोसोम नंबर 16 पे, समझ रहे हो। तो एस सी और अल्फा थैलेसीमिया के संबंध में गलत रूप से मिलाए गए, एस सी और अल्फा थैलेसीमिया की तुलना के संबंध में गलत रूप से मिलाए गए विकल्प का हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, एस सी ए भी ऑटोसोमल रिसेसिव है और अल्फा थैलेसीमिया भी ऑटोसोमल रिसेसिव है, दोनों ही अलिंगी अप्रभावी है, तो सही है ये कंपेरिजन। तो फिर ये एक क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, किसके लिए, एक गलत रूप से वर्क करने वाली ग्लोबिन चेन के लिए, बीटा जो चेन है वो डिफेक्टिव बनती है, उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। तो ये क्वालिटेटिव और ये क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, किसके लिए, जिसमें ग्लोबिन मॉलिक्यूल बहुत कम बनते हैं, यहाँ पर अगर अल्फा थैलेसीमिया है तो अल्फा चेन कम बनती है, तो ये तो है क्वांटिटेटिव और ये है क्वालिटेटिव, ये कंपेरिजन भी सही है। इसका कंट्रोल जो है कंट्रोल्ड बाई ए पेयर ऑफ एलील, मतलब एक जीन जो इसको कंट्रोल करता है, और ये वाला देखना कंट्रोल्ड बाई टू क्लोजली लिंक्ड जीन, दो क्लोजली लिंक्ड जीन है क्रोमोसोम नंबर 16 पे, इस तरीके से देखो आप लोग, ये वाला HBA1 HBA2 है ना, तो इसका मतलब ये इसको कंट्रोल करते, ये भी सही है। चौथा देखें, ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन ऑफ वैलिन बाय ग्लूटेमिक एसिड, नहीं, ये ऐसे होता, ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटेमिक एसिड बाय वैलिन, तब ये सही होता, तो उल्टा हो गया ये वाला, इसलिए ये रॉन्ग हो गया, बाकी ये तो ठीक है कि आइदर म्यूटेशन और डिलीशन अगर किसी एक जीन का हो जाए, एक का, दो का, तीन का, चार का, तो उससे अल्फा थैलेसीमिया जो है वो
होता है ना, तो फोर्थ कंपैरिजन में ये तो ठीक है, लेकिन ये वाला जो वो रॉन्ग हो गया, इसलिए अपने को गलत पूछा, और गलत जो है वो आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ, क्योंकि ग्लूटेमिक इसकी जगह ही आता कि वैलिन द्वारा ग्लूटेमिक अम्ल के प्रतिस्थापन के कारण, तब ये सही होता है। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 10 देखें। यूनिवर्स की एज के लिए पूछा है, 20 BY आप लोग जानते हैं, ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर ओल्ड है ना, तो आंसर हो जाएगा थर्ड आपका। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, समटाइम्स एन एडिशनल कॉपी ऑफ ए क्रोमोसोम मे बी इंक्लूडेड इन एन इंडिविजुअल, दिस सिचुएशन इज नोन एज एडिशनल कॉपी। जैसे आप लोग देखें कि 2n+1, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइजोमी, और अगर कोई एक कॉपी कम हो जाए 2n-1, तो उसको अपन लोग क्या कहेंगे, मोनोजोमी। लेकिन चाहे ट्राइजोमी हो चाहे मोनोजोमी हो, ये जैसे हाइपर एन्यूप्लोइडी है और ये हाइपो एन्यूप्लोइडी है, और दोनों को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, एन्यूप्लोइडी। लेकिन हमें तो इसके अंदर क्या पूछा है, एडिशनल कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम की वो इंक्लूड होनी चाहिए, यानी अपने को 2n+1 पूछा है, तो अपन एन्यूप्लोइडी डायरेक्ट आंसर दे नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर हाइपो भी आ गया और हाइपर भी आ गया, ऐसे मोनोजोमी भी आ गई, ट्राइजोमी भी आ गई, लेकिन जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसके अंदर तो ट्राइजोमी पूछी है ना, तो ये अपना परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्राइजोमी। जैसे डाउन सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्डर सिंड्रोम है, वो ट्राइजोमी है, एन्यूप्लोइडी भी है हाइपर, और एक है ना वो अपना टर्नर सिंड्रोम, वो मोनोजोमी है, वो भी एक टाइप की एन्यूप्लोइडी है लेकिन वो हाइपो है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 1 है ना, ये इससे रिलेटेड नहीं, उसमें तो क्रोमोसोम के जो सेट्स हैं वही बढ़ जाते हैं, 3n वगैरह, मोनोजोमी अलग आंसर हो गया। ठीक है, चलो 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें जो यूनिवर्स के इवेंट्स हैं उसके रेस्पेक्ट में है कि सबसे पहले एक बिग बैंग हुआ, एक बड़ा धमाका हुआ, उसके बाद यूनिवर्स वॉल्यूम में बढ़ा, उसके बाद टेम्परेचर डाउन गया, और सबसे लास्ट के अंदर जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम जो उनका फॉर्मेशन हुआ है ना, तो सेलेक्ट एन करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द इवेंट्स ऑफ यूनिवर्स है ना, तो ह्यूज एक्सप्लोजन तो ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम तुरंत नहीं बनी थी, यहाँ देखिए ह्यूज एक्सप्लोजन, एक बड़ा धमाका हुआ, फिर यूनिवर्स वॉल्यूम में बढ़ा, ये भी ठीक है, टेम्परेचर डाउन आ गया, और लास्ट में हाइड्रोजन हीलियम का फॉर्मेशन हुआ, ये ऑर्डर अपना परफेक्ट यहाँ पर बैठेगा एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखें, इन केस ऑफ SC द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडर गो पॉलीमराइजेशन अंडर विच कंडीशन, अगर आप लोग देखें कि जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन है, जो क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, अगर ऑक्सीजन टेंशन, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाए तो वो पॉलीमराइज हो जाएगा, ऐसे में RBC बाइकोन के उसे सिकल सेप्ट हो जाएगी है ना, तो यहाँ पर देखें लो ऑक्सीजन टेंशन, ऑक्सीजन की कम मात्रा के दौरान ऐसा होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। 14 नंबर क्वेश्चन देखें, करेक्ट सीक्वेंस अपने को देखनी है ओरिजिन और इवोल्यूशन जो है लाइफ फॉर्म के रेस्पेक्ट में, तो सबसे पहले आप लोग देखें हेटरोट्रॉफिक लाइफ आई थी, सही है, सबसे पहले ऐसे हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया इवोल्व हुए थे, फिर उनसे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आए, और उन्होंने बाद में उनमें चेंजेस आया, और उन्होंने वाटर को यूज लिया हाइड्रोजन डोनर के फॉर्म में साइनोबैक्टीरिया, और उसकी वजह से फोटोलाइसिस हुआ और एटमोस्फेयर में फ्री ऑक्सीजन रिलीज हुई, और एटमोस्फेयर रिड्यूसिंग से कैसा हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग, तो ये यहाँ पर परफेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। ऑटोट्रॉपिज्म पहले नहीं आया था, ये ठीक है, ये ठीक है, ये पहले आता ना, उसके बाद में ये होता, ये गड़बड़ हो गया, ये ठीक है, फिर ये लास्ट में दे दिया है ना, तो अपना आंसर हो जाएगा इसके अंदर फर्स्ट। 15 नंबर क्वेश्चन देखें, वाटर वाज ब्रोकन अप इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, आपको शुरुआत में मैंने कहा था कि जब वोल्केनिक इरप्शन हुआ था तो वाटर वेपर बाहर रिलीज हुई थी, और उस पर जब यूवी गिरी थी तब वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर बदल गया था, तो अंडर द इफेक्ट ऑफ यूवी रेज फ्रॉम सन आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखें, इन विच मेंडेलियन डिसऑर्डर फिनाइल पायरुविक एसिड इज एक्यूमुलेटेड इन ब्रेन विच रिजल्ट इन मेंटल रिटार्डेशन, ये ऑटोसोम रिसेसिव डिसऑर्डर है PKU, जिसके अंदर फिनाइल एलेनिन टायरोसिन के अंदर चेंज नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखें, द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ जो है वो 3 बिलियन ईयर पहले बनी थी, उसमें प्रोटीन RNA पॉलीसेक्राइड वगैरह थे, वो अपने मॉलिक्यूल्स को रेप्लिकेट कर सकते थे है ना, और एक जॉइंट मेटाबॉलिक कैप्सूल भी वो था है ना, तो इसके लिए अपने को
द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ डिड नॉट हैव प्रॉपर्टी टू रिप्रोड्यूस, परहैप्स नहीं उसमें प्रॉपर्टी होती है इसलिए गलत हो गया, वो रिप्रोड्यूस कर सकते थे अपने मॉलिक्यूल्स को, कुड हैव ओरिजिनेटेड 3 MY, ये नहीं यहाँ पर क्या आता बिलियन आता, इसलिए ये वाला भी रॉन्ग हो गया। फिर देखना वाज एरोबिक, एरोबिक नहीं था वो एनएरोबिक था इसलिए ये गलत हो गया। ये देखो वर जाइंट मेटाबोलिक मॉलिक्यूल्स लाइक, वर जाइंट मॉलिक्यूल्स लाइक आरएनए प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड, ये वाला परफेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है तो ये इसके लिए सही था, ये भी एनसीईआरटी में गिवन है, देखना आप लोग। 18 नंबर क्वेश्चन देखें, हाउ मेनी टाइप ऑफ गेमेट्स आर फॉर्म्ड इन ए फीमेल विद टर्नर सिंड्रोम, एक फीमेल है जिसके अंदर टर्नर सिंड्रोम है, 44 प्लस एक्सो वाली कंडीशन है, मोनोजोमी मोनोजोमी, और टर्नर फीमेल जो है उसकी हाइट भी कम होती है और उसकी जो ओवरी है वो रूडिमेंट्री होती है, उसके अंदर डेवलपमेंट नहीं होता, यानी टर्नर जो फीमेल है टर्नर उसमें स्टेरिलिटी होती है, स्टेरिलिटी, और अगर उसमें स्टेरिलिटी है उसकी ओवरी वर्क कर ही नहीं रहे तो फिर गेमेट का सवाल ही नहीं है ना, तो उसके अंदर गेमेट बनेंगे जीरो, कोई गेमेट उसके अंदर नहीं बनेगा। ठीक है 19 नंबर क्वेश्चन देखें, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ को क्लोजली को रिलेट विद, तो अर्थ की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है अलग अलग जो स्टेटा है अर्थ की उसमें अलग अलग टाइम के अंदर जो ऑर्गेनिज्म जिंदा थे उनके फॉसिल्स मौजूद होते हैं ना, तो अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री हमारी बायोलॉजिकल हिस्ट्री को शो करती है। तो बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स, केवल प्लांट्स नहीं, केमिकल हिस्ट्री नहीं, बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, ये वाला परफेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें प्लांट्स भी आ गए और जिसके अंदर एनिमल्स भी आ गए, मार्स नहीं होगा, यहाँ पे आंसर अपना थर्ड हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखें, जेनेटिक्स से ही है, हाउ मेनी पॉइंट्स गिवन इन बॉक्स आर रिलेटेड विद क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के रिलेशन में है, और ये ट्राइजोमी का एग्जाम्पल है, आपको याद होगा क्लाइनफेल्टर हमेशा मेल में होता है, 44 प्लस एक्स एक्स वाई, ठीक है, इसमें हाइट ज़्यादा होती है लेकिन स्टेरिलिटी होती है, ओवरऑल मेल के फीचर होते हैं, मैस्कुलाइन होता है लेकिन गायनेकोमेस्टिज्म भी होता है, ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट इसके अंदर देखा गया है, तो गायनेकोमेस्टिज्म है मतलब मेमरी ग्लैंड का ग्रोथ है, स्टेरिलिटी होती है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ओवरऑल मैस्कुलाइन है, समग्र रूप से पू प्रधान मतलब है, नर के लक्षण है, 44 प्लस एक्स वाई वाली कंडीशन भी है, ठीक है, लेकिन ये देखना फिजिकली एंड मेंटली रिटार्डेड, ये डाउन सिंड्रोम का है, फरोटंग ये भी डाउन सिंड्रोम का है, और मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं है ये, ये तो क्रोमोसोम से रिलेटेड डिसऑर्डर है, मेंडेलियन डिसऑर्डर तो पॉइंट म्यूटेशन वगैरह की वजह से होता है, तो 1, 2, 3 एंड 4 तो आंसर हो जाएगा थर्ड, तीन पॉइंट ऐसे 1, 2, 3 एंड 4, ये चार ऐसे पॉइंट है जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो से रिलेटेड है। ठीक है 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखें, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ये अपने एवोल्यूशन से रिलेटेड है, इसके तीन मेन पॉइंट थे और हमें क्या पूछा है, चूज द राइट ऑप्शन, मतलब इसके लिए कौन कौन से पॉइंट सही है या गलत है ये पूछा जा रहा है, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पीसीज दैट वाज वी सी टुडे वर क्रिएटेड इन सच, आज जितने भी जीव हम लोग देख रहे हैं वो ऐसे के ऐसे गॉड ने बनाए थे और उनमें कोई चेंज नहीं आया, बायोडाइवर्सिटी भी आज भी वैसी है जैसे उस टाइम जब क्रिएट की गई थी, अर्थ इसके अकॉर्डिंग 4000 साल पुरानी, तो ये सारे पॉइंट इसी से रिलेटेड है, देख लेते हैं दूसरा सही है, डाइवर्सिटी वॉज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी द सेम इन फ्यूचर, ये भी सही है। फिर देखना अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर ओल्ड, ये पॉइंट भी यहाँ पर करेक्ट है, तो तीनों पॉइंट जो हैं वो इस थ्योरी के लिए सही है, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हो जाएगा यहाँ पे। 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखें, हाउ मेनी जायगोटिक कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल फ्रॉम पेरेंट विद जीनोटाइप, ये जीनोटाइप वाले पेरेंट्स हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल आर, कैपिटल पी स्मॉल पी, स्मॉल ए स्मॉल ए, तो आप लोग देखें कि दोनों तरफ जो पेरेंट्स हैं उनका जीनोटाइप जो अलग अलग है, इसलिए जायगोटिक कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है 4n या गेमेट का स्क्वायर वो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, वो फॉर्मूला तभी अप्लाई होता है जब दोनों तरफ जीनोटाइप पेरेंट का सेम हो, तो यहाँ पर जो फर्स्ट फॉर्मूला है गेमेट के लिए 2n वो अप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर n की वैल्यू है 3, तो कितने गेमेट बने 8, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 1,
तो कितने गैमेट बने? दो। तो ये देखो 16 टाइप के जायगोटिक कॉम्बिनेशन यहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है, यही पूछा गया था। 23 नंबर क्वेश्चन देखें, वो प्रपोज दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑपेरिन एंड हेल्डेन, कीमोजेनेसिस वाली है, तो ऑपेरिन ऑफ रशिया एंड हेल्डेन ऑफ इंग्लैंड, है ना, ये उल्टा कर दिया है ना, तो फर्स्ट ही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखें, जेनेटिक्स का है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस रिलेटेड है, क्या पूछा है स्नैपड्रैगन के अंदर कि पिंक फ्लावर प्लांट, पिंक फ्लावर ये ले लो, प्लांट वर क्रॉस्ड विद रेड फ्लावर, अच्छा व्हेन पिंक फ्लावर प्लांट हेटरोजाइगस होता है उनको रेड से क्रॉस कराते हैं ऐसे, देन द पॉसिबिलिटी ऑफ एफ टू ऑफ स्प्रिंग बींग होमोजाइगस, होमोजाइगस पूछा है ना, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ पर देखो कैपिटल आर, तो आप लोग देखो होमोजाइगस तो 50% हो गए, ये देखो होमोजाइगस 50%, और 50% क्या हो गए हेटरोजाइगस, तो हमें होमोजाइगस पूछा है, तो आंसर हो जाएगा 1/2 होमोजाइगस। 25 नंबर क्वेश्चन देखें, मैचिंग वाला क्वेश्चन है, करेक्टली मैच्ड, और किसके लिए है, अगेन जेनेटिक्स से रिलेटेड है, देखें रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क, तो इसके लिए हो जाएगा डी व्रीज 4, स्टार्च ग्रेन साइज इन पी, और ये एग्जांपल किससे रिलेटेड है, प्लियोट्रोफी, तो इसका हो जाएगा 3rd। फिर डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, प्रोजेनी पेरेंट्स से जो प्रोजेनी डिफर है उसको वेरिएशन सेलेक्ट करते हैं, एनसीईआरटी में गिवन है, ये सब पॉइंट्स एनसीईआरटी में दिए हैं, तो ये हो जाएगा वेरिएशन। और स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस, तो ट्रू ब्रीडिंग लाइन के लिए, ट्रू ब्रीडिंग लाइन, तो ये हो जाएगा 1। और क्रोमोसोमल थ्योरी जो है वो किसने दी, सटन, तो ये हो जाएगा 2nd। इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो ए का 4 कहाँ है, ये रहा और ये रहा, बी का 3rd ये रहा, तो यही बैठ जाएगा आंसर, सी का 5 ये रहा, डी का 1 ये रहा, और ई का 2 ये रहा, तो आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखें सारे लोग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज, देखो जो इवोल्यूशन है वो एक लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी प्रोसेस, मतलब आज की जो बायोडाइवर्सिटी है वो लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी प्रोसेस से बनी है, और ये धीरे धीरे ये सब हुआ है ना, तो जो सबसे पहली लाइफ फॉर्म है वो बिल्कुल धीरे धीरे इवोल्यूशनरी फोर्सेस से डेवलप हुई है, इवोल्यूशनरी फोर्सेस ग्रेजुअली धीरे धीरे, फास्ट नहीं, ठीक है। तो ये बाकी ऑप्शन तो ऐसे बनाए गए हैं, एनसीईआरटी में ये चीज़ लिखी हुई भी, आप लोग गौर से उसको पढ़ना। 27 गैलेक्सी के रेस्पेक्ट में है, और ये अपने इवोल्यूशन में 2nd पेज पर ही दिया है, चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर की गैलेक्सी में क्या है, तो गैलेक्सी जो है उसमें डस्ट के क्लाउड्स हैं, उसमें तारे हैं, गैसेज वगैरह सब होती है, तो आंसर हो जाएगा 4th। 28 नंबर क्वेश्चन देखें, जेनेटिक्स के अंदर जो 2nd पेज है चैप्टर के, चैप्टर नंबर जो 5 है उसका जो 2nd पेज है उसी पे ये गिवन है, तो क्या है कि द कन्फर्मेशन ऑफ मेंडल इंटरफेरेंस फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ऑन सक्सेसिव जनरेशन ऑफ हिज टेस्ट प्लांट प्रूव्ड व्हाट, कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंटल प्लांट पे अलग अलग जनरेशन में जो एक्सपेरिमेंट किए उससे क्या प्रूव होता है, ये प्रूव होता है कि मेंडल रिजल्ट जो थे वो इनहेरिटेंस जो है उसके रूल्स को फॉलो करते हैं, वो हवाई बातें नहीं कर रहे थे, तो दैट मेंडल रिजल्ट डज नॉट नहीं आएगा, मेंडल रिजल्ट पॉइंटेड टू जनरल रूल ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल ने अपने जो एक्सपेरिमेंट थे उनको प्रूव किया था, टेस्ट क्रॉस वगैरह कर रहे थे, और उसके अकॉर्डिंग ये पता था कि उनके जो रिजल्ट थे वो प्रिंस जो मेंडेलियन प्रिंसिपल उनको फॉलो करते हैं, सेग्रीगेशन है, डोमिनेंस है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, तो ये भी एनसीईआरटी में गिवन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2nd। 29 नंबर क्वेश्चन देखें, द नेचुरलिस्ट हु वर्क इन मेले आर्किपेलेगो एंड मेड ऑलमोस्ट सिमिलर कंक्लूजन लाइक डार्विन, तो ये अल्फ्रेड रसेल वेलेस थे। 30 नंबर क्वेश्चन देखें, डार्विन के अकॉर्डिंग जो फिटनेस थी वो रिप्रोडक्टिव फिटनेस होती है, तो
तो यहाँ पर देखिए कहाँ दिया है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस, फोर आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखें, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, रॉन्ग स्टेटमेंट है और अपने जेनेटिक्स से रिलेटेड है, रॉन्ग पूछना है, मतलब इसमें क्वेश्चन में अपने को रॉन्ग पूछा है। पहला है, आवर एंसेस्टर न्यू अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर एंड वेरिएशन, सही है। फिफ्थ नंबर चैप्टर जो है उसके जो पहला ही जो पन्ना है उसके ऊपर ये गिवन है। फिर मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटी, ये भी सही है। ड्रोसोफिला कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम, ये भी सही है। फिर ये देखना, ह्यूमन इन ह्यूमन वी हैव ओनली टॉल एंड शॉर्ट पीपल एज टू डिस्टिंक्ट अल्टरनेटिव। देखो हमारे अंदर जो हाइट है, हाइट हमारे अंदर पॉलीजेनिक करेक्टर है, ये कई जीन इसको कंट्रोल करते हैं, 5 जीन ऐसे हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं। तो और पॉलीजेनिक तो एक ग्रेडियंट की फॉर्म में होता है, एक ग्रेडियंट होता है पॉलीजेनिक के लिए, दो अल्टरनेटिव फॉर्म नहीं होती है फिनोटाइप की। तो हाइट की तो अलग अलग वेरिएशन देखो, क्या प्लांट की तरह एक टोल एक ड्वर्फ इतना ही है, नहीं, हमारे अंदर एक ग्रेडियंट है ना। तो ओनली टोल एंड शॉर्ट की वजह से ये वाला रॉन्ग हो गया। ये भी पॉलीजेनिक के अंदर एनसीईआरटी में जो पैराग्राफ दिया उसके अंदर लिखा हुआ है, आप लोग उसको चेक करें, है ना। तो फोर जो रॉन्ग हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन देखें, सेपरेट द फॉलोइंग इनटू होमोलोगस एंड एनालोगस। ओके, होमोलोगस एनालोगस के अंदर इसको अलग अलग करना है। पहला क्या है, फोर लिंब ऑफ वेल बेल्ड चीता एंड मेन वेल चमगादड़ चीता मनुष्य के जो अग्रपाद है ये सब होमोलोगस के अंदर आते हैं। फिर स्वीट पोटेटो एंड पोटेटो शकरकंद और आलू ये एनालोगस में आते हैं। ऑक्टोपस और मैमल्स की आंखें ये एनालोगस में आती हैं। फिर पेंगुइन और डॉल्फिन के तो फ्लिपर भी एनालोगस में आते हैं। वर्टिब्रेट के हर्ट ब्रेन होमोलोगस में आते हैं ना। तो होमोलोगस में कौन सा आ जाएगा, 1 और 5, ये देखो 1 और 5। एनालोगस में कौन सा आ जाएगा, 2, 3 और 4, 2, 3 और 4, तो आंसर हो जाएगा अपना सेकेंड। 33 नंबर क्वेश्चन देखें, सेलेक्ट एन करेक्टली मिस्ड ऑप्शन, ठीक है, सही रूप से मिलान वाले विकल्प का अपने को यहाँ पर चयन करना है। सेवरल डाई हाइब्रिड क्रॉस इन ड्रोसोफिला जो था वो तो मॉर्गन ने किया था, तो ये तो गलत हो गया। इसमें क्या पूछा, सही पूछा है, रिसेसिव ट्रेट सीन ड्यू टू फंक्शनल एंजाइम, नहीं ड्यू टू नॉन फंक्शनल एंजाइम। रिसेसिव ट्रेट है, एंजाइम बनेगा नहीं तभी तो नजर आएगा, है ना, तो नॉन फंक्शनल आएगा यहाँ पे, ये भी रॉन्ग हो गया। डोमेस्टिकेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन साहिवाल का वो पंजाब, ये जेनेटिक्स में 500 जो चैप्टर है उसके पहले पन्ने पे दिया है। साहिवाल जो है उसको आर्टिफिशियल सिलेक्शन और डोमेस्टिकेशन से डेवलप किया गया था, तो यहाँ पर नेचुरल की जगह क्या आता, आर्टिफिशियल, इसलिए गलत हो गया। पनेट स्क्वायर को आर सी पनेट ने दिया था, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्टली बेस्ड है और अपना आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, चले आगे आओ। 34 नंबर क्वेश्चन देखें, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस आर ऑब्टेंड फ्रॉम, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस कहां से मिले थे, फॉसिल से मिले थे, सिंपल सा आंसर है, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस वो फॉसिल से ही रिलेट होते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखें, प्रपोर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप इन F2 ऑफस्प्रिंग ऑफ मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस, मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 के अंदर फिनोटाइप यही तो आया था, 9, 3, 3 और 1। तो इसमें देखिए ये पेरेंटल टाइप, ये पेरेंटल टाइप और ये देखो ये वाले, ये हैं रिकॉम्बिनेंट टाइप। तो देखें 6/16 जो है वो रिकॉम्बिनेंट है, फर्स्ट के लिए डोमिनेंट, सेकंड के लिए रिसेसिव, फर्स्ट के लिए रिसेसिव, सेकंड के लिए डोमिनेंट, तो 6/16 जो है वो रिकॉम्बिनेंट यहाँ पर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखें, फॉसिल क्या है, फॉसिल जो है वो जो बॉडी के हार्ड पार्ट होते हैं जो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर बच जाते हैं, रह जाते हैं, प्रिजर्व हो जाते हैं, वही फॉसिल होते हैं। तो दे आर रिमेन ऑफ सॉफ्ट पार्ट, नहीं, सॉफ्ट पार्ट तो डिकम्पोज हो जाता है, उसका फॉसिल बनेगा नहीं। रिमेन ऑफ सेमी सॉलिड भी नहीं है, वाटर और एयर का है। दे आर द रिमेन ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म, लाइफ फॉर्म फाउंड इन रॉक्स, ये वाला परफेक्ट हो जाएगा। और कौन सी रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, ये क्या है, दे आर रिमेन ऑफ सॉफ्ट पार्ट, नहीं ये वाला गलत हो गया, सॉफ्ट पार्ट तो फॉसिल की फॉर्म में कभी रहते ही नहीं है, वो डिकम्पोज हो जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। 37 नंबर क्वेश्चन देखें, किसका है, जेनेटिक्स से रिलेटेड है,
इन विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस ईच डोमिनेंट जीन हैज एडिटिव इफेक्ट ऑन फिनोटाइप। एडिटिव इफेक्ट का मतलब है कि जैसे ए बी और सी और डी, इसने 5 ग्राम प्रोटीन बनाया, इसने भी 5 ग्राम, इसने भी 5 ग्राम, इसने भी 5 ग्राम, टोटल मिलकर के कितना हो गया 20 ग्राम, और इससे हमारा फाइनल फिनोटाइप आया। तो ये एडिटिव इफेक्ट के कारण है, और चार जीन मिलकर के एक फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा पॉलीजेनिक। आंसर हो जाएगा सेकंड। 38 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखें, द स्टडी विद रेस्पेक्ट टू लाइफ फॉर्म, सो दैट लाइफ फॉर्म के लिए जो स्टडी की गई है इवोल्यूशन से, एनसीईआरटी के अंदर स्टार्टिंग के अंदर तीसरे चौथे पेज में आप लोगों को मिल सकता है ये वाला। एविडेंस से पहले ही दिया है, जब डार्विनिज्म और अल्फ्रेड रसेल वेलेस की बात है वहीं पर गिवन है। लाइफ फॉर्म जो वो टाइम टू टाइम वेरी करती है ना, और अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो है वो उसको शो भी करती है। उसी के लिए आप लोगों को देखना है कि लाइफ फॉर्म वेरीड ओवर टाइम एंड सर्टेन लाइफ फॉर्म आर रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम स्पेन। बिल्कुल परफेक्ट है कि किसी टाइम T1 पर कोई रॉक थी, उसमें कोई लाइफ फॉर्म है, फिर टाइम चेंज हुआ T2, उसमें रॉक R2, उसमें अलग लाइफ फॉर्म थी, अलग फॉसिल थे। इस तरीके से लाइफ फॉर्म वेरी करती जाती है, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं रॉक्स में, तो नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ती जाती है, फॉसिल भी बढ़ते जाते हैं, अप टू डाउन जाएंगे तो नंबर ऑफ फॉसिल घटेंगे, स्पीशीज सिंपल होते जाएंगे, है ना। तो लाइफ फॉर्म सो स्टेबिलिटी तो शो करती ही नहीं है, क्यों, फिर एवोल्यूशन कैसे हुआ फिर, है ना। लाइफ फॉर्म वेरीड ओवर टाइम बट नॉट रेस्ट्रिक्टेड, नहीं रेस्ट्रिक्टेड होती है लाइफ फॉर्म, डज नॉट वेरीड, नहीं वेरी करती। आंसर अपना हो जाएगा 1। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक जीन है जिसके 6 डिफरेंट एलील है, और वो कितने टाइप के जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन इसमें बनाएगी, तो आप लोग देखिए इसके लिए फॉर्मूला याद रखना, n+1/2। यहाँ पर n क्या होगा, n है नंबर ऑफ एलील्स, और ये n की वैल्यू क्या आ गई अपनी यहाँ पर 6। तो देखना 6+1/2, तो ये 7, और 42/2, तो ये हो जाएगा 21। तो अगर 6 डिफरेंट एलील हैं तो पॉपुलेशन में 21 टाइप के जो हैं वो जीनोटाइप पॉसिबल है, ठीक है, फॉर्मूला लगाना बस। Who noted that embryo never passed through the adult stage of other animal, जो बात अर्नेस्ट हेकल ने कही थी कि एम्ब्रियो अदर जो अडल्ट हैं उनकी स्टेजेस से गुजरते हैं बायोजेनेटिक लॉ में, इसको डिस्प्रूव कर दिया था, और किन्होंने किया था, कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर ने, उन्होंने बताया था कि ऐसा नहीं होता, वो जो एम्ब्रियो है वो अपनी स्पीशीज के जो अडल्ट फॉर्म में उसके जैसा होता जाता है, ना कि अदर की तरह, ठीक है। एक्चुअल में ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी भी नहीं है अर्नेस्ट हेकल के लिए, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा था। 41 देखें, प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इवोल्व सिमिलर फिनोटाइप, अलग अलग एंसेस्टर से बनने हुई स्पीशीज S1, S2, S3, S4 एक ही एनवायरनमेंट E1 में अडेप्ट हो रही है, तो इसको क्या कहा जाता है, ये अडेप्टिव रेडिएशन तो नहीं है, वो तो होमोलॉजी के लिए होता है, नेचुरल सिलेक्शन और परफेक्ट नहीं इसके लिए, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन परफेक्ट है इसमें, कन्वर्जेंट एक जिसमें अलग अलग एंसेस्टर हो, अलग अलग स्ट्रक्चर हो, कॉमन हैबिटेट हो, एक जैसा फंक्शन करे, तो आंसर हो जाएगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। 42 नंबर क्वेश्चन देखें, विच वन इज ट्रू फॉर मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस के लिए एनसीईआरटी गिवन है, आप लोग देखें कि इन सिमिलर की जगह यहां पर क्या आएगा, डिससिमिलर, डिससिमिलर जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये वाला तो रॉन्ग हो गया, इन सिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन एलील डोमिनेंट द अदर, अगर सिमिलर होता तो ये है तो फिर इसको कैसे डोमिनेंट करता, अगर ये होता तो फिर इसको कैसे डोमिनेट करता, यहाँ पर सिमिलर की जगह क्या ना था, डिसिमिलर, इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन एलील डोमिनेंट द अदर, तब ये सही होता, फैक्टर अगर इन पेयर बिल्कुल सही है, फैक्टर पेयर में है, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, तो देखना यूज टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ पेरेंटल कैरेक्टर इन F1, नहीं जैसे देखो स्टार्टिंग में टॉल और ड्वार्फ है, तो F1 जो है उसमें तो एक ही अपीयर हुआ ना टॉल वाला, दोनों अपीयर थोड़ी होंगे, दोनों अपीयर तो यहाँ पर अगर F2 होता तब होता 3:1 आता,
है ना, इसलिए गलत हो गया, ये गलत हो गया. इट कैन नॉट एक्सप्लेन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 ऑब्टेंड इन एफ टू. नहीं, ये इसको एक्सप्लेन करता है, लिखा हुआ है. एफ टू में जब सेल्फिंग करते हैं, एफ वन में, तो जो रिसेसिव वो वापस रीअपियर हो जाता है. तो ये रॉन्ग हो गया, तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, 2. 43 देखें. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत देखना है. इवोल्यूशन का है, द क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ होमो हैबिलिस वाज 650 to 800 सीसी, सही है. अबाउट 15 BYA प्राइमेट का ड्रायोपिथिकस एंड रामोपिथिकस वर एग्जिस्टिंग. यहाँ पर नहीं, ये रॉन्ग हो गया. बी वाई ए की जगह क्या था, एम वाई ए, तब सही होता. ये रॉन्ग हो गया यहाँ पे. वहाँ पर भी देखो, बिलियन वर्ष की जगह क्या था, मिलियन. रामोपिथिकस वाज मोर मेन लाइक वाइल ड्रायोपिथिकस वाज मोर एप लाइक, ये भी ठीक है. फर्स्ट एंसेस्टर ऑफ मैन दैट मेड यूज ऑफ फायर वाज होमो इरेक्टस, ये भी ठीक है. गलत पूछा था, गलत कौन सा हो जाएगा, सेकंड. 44 नंबर देखें. एट द टाइम ऑफ मेंडल द नेचर ऑफ दोज फैक्टर रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वाज, मेंडल के टाइम में तो मेंडल ने उनके लिए फैक्टर फैक्टर बात कर रहे थे, फैक्टर एलिमेंट, उनको तो डिस्कवर भी नहीं किया था, उनकी फिजिकल प्रेजेंस का कोई वो एविडेंस भी नहीं दे पाए थे. माइक्रोस्कोप वगैरह कहाँ उस टाइम खोजे गए थे, वो तो 1900 के बाद खोजे गए थे, है ना, 1902 के आसपास क्रोमोजोम की मूवमेंट को देखा गया था. इसका मतलब है मेंडल के टाइम वो जो फैक्टर एलिमेंट थे उनके रिगार्डिंग जो चीज़ें थी वो ज़्यादा पता नहीं थी, वो अननोन था. एट द टाइम ऑफ मेंडल द नेचर ऑफ दोज फैक्टर, मतलब वो फैक्टर या एलिमेंट की नेचर कैसी, वो किसके बने, उसके बारे में ज्यादा पता नहीं था. तो वो आरएनए के हैं, डीएनए के, ऐसा पता ही नहीं था, नॉट क्लियर, अंडरस्टूड भी नहीं था. ये तो 1900 के बाद पता लगा. और तुम्हें पता है ये लाइन कहाँ दी है, ये अपना जो मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है ना, चैप्टर नंबर 6, उसके अंदर पहले ही पन्ने पर लिखा हुआ है, ऊपरी ऊपर, ठीक है. तो आंसर हो जाएगा 3. 45 नंबर देखें क्वेश्चन. सिमिलरिटीज इन प्रोटीन एंड जीन परफॉर्मिंग ए गिवन फंक्शन अमॉन्ग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म गिव क्लूज फॉर होम, कि अलग अलग एंसेस्टर से जो स्पीसीज बनी हैं उनके बायोमोलिक्यूल्स एक जैसे हैं, इसका मतलब उनमें मॉलिकुलर होमोलॉजी है, और इसका मतलब है वो अलग अलग स्पीसीज इनिशियली एक कॉमन एंसेस्टर से बनी होगी, है ना. तो इसका मतलब है कि ये कॉमन एंसेस्ट्री को शो करता है, मॉलिकुलर होमोलॉजी भी एनालॉजी नहीं है. आंसर हो जाएगा अपना 4th, ठीक है. 46 नंबर, एक मिनट को, 46 में जाना है ना अपने को. Which disorder syndrome can be easily studied by karyotype analysis? Karyotype analysis chromosome को अरेंज करके होता है, और ये non-Mendelian disorder के लिए है, chromosome से related जो है. Mendelian disorder नहीं, non-Mendelian disorder. तो ये Mendelian disorder नहीं है, इसका तो कर सकते हैं, लेकिन ये Mendelian disorder है, इसको नहीं कर सकते. ये तो point mutation वाला है, इसको किया जा सकता है, लेकिन ये Mendelian आ गया, ये मेंडेलियन आ गया, इसको कर सकते हैं. ये देखो, ये दोनों नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं, क्रोमोसोम से रिलेटेड है. इसमें 46 क्रोमोसोम हो रहे हैं, और इसमें 21 नंबर क्रोमोसोम डबल हो रहा है, और इसके अंदर एक एक्स डबल हो रहा है. तो इनको कैरियोटाइप एनालिसिस से पता लग जाता है, ठीक है. 47 नंबर क्वेश्चन देखें. ये अपना इवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, और इंडस्ट्रियल मिनरलिज्म है ना, नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल था ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्शन. आप लोग ये यहाँ देखें कि ये 1850 के आसपास की बात है, इंग्लैंड में जब पोल्यूशन कम था तो लाइकेन जो थी वो ज़्यादा थी. लाइकेन ज़्यादा थी तो जो वाइट मोथ थे, वाइट इंसेक्ट, वो ज़्यादा थे, और ब्लैक वाले क्या थे, कम थे, क्योंकि जो प्रेडेटिंग बर्ड्स हैं वो ब्लैक वालों को देख पा रहे थे इनको, और वाइट वाले कैमोफ्लेज कर पा रहे थे. यहाँ पर जो पोल्यूशन हो गया 1920 में, तो लाइकेन कम हो गई, लाइकेन कम हुई तो सराउंडिंग जो था वो डार्क हुआ, तो डार्क वाले बढ़ गए और लाइट वाले घट गए, क्योंकि लाइट वाले अपने आप को कैमोफ्लेज नहीं कर पाए, है ना. तो इन द फिगर गिवन बिलो टू टाइप ऑफ मॉथ वर आर विजिबल ऑन द ट्रंक ऑफ द ट्री, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इनकरेक्टली डिस्क्राइब द फिगर ए एंड बी रेस्पेक्टिवली. ए और बी को गलत रूप से कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ए आप लोग इधर देखें,
कि ये किसके लिए, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, सेट इन, देयर वाज मोर वाइट विंग मोथ एंड ऑन द ट्री देन डार्क, बिल्कुल सही है इसके लिए। तो अब इस बी के लिए ये लिखा है, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन 1920 देयर वर मोर डार्क विंग मोथ इन द सेम एरिया, बिल्कुल सही है। इस दौरान ये ज्यादा फिट थे और इस दौरान ये ज्यादा फिट थे, ये कम थे ये ज्यादा थे, और इस दौरान ये ज्यादा थे ये कम थे, ठीक है, ये तो ठीक है। फिर देखा, इन अबोव फिगर ए लाइट कलर मोथ सर्वाइव बट डार्क कलर मोथ वर पिक अप आउट बाय प्रेडेटर, बिल्कुल सही है। इसमें ये अपने आप को छुपा नहीं पा रहा था तो प्रेडेटरी बर्ड्स ने इनको पिकअप कर लिया, ये सर्वाइव कर रहे थे, ये कम कर रहे थे। और इधर क्या लिखा है, इन अबोव फिगर बी डार्क कलर मोथ सर्वाइव बट द लाइट कलर मोथ वर पिक्ड आउट बाय प्रेडेटर, ये भी सही है। यहाँ पर इनकी फिटनेस कम हो गई, यहाँ पर इनकी कम हो गई, ये भी ठीक है, गलत पूछा है। यहाँ देखें, ड्यूरिंग प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड द ट्री ट्रंक बिकम लाइट ड्यू टू लेस मेलानिन प्रोडक्शन इन देम, नहीं, ये ट्री ट्रंक में मेलानिन प्रोडक्शन नहीं हुआ था, ये तो जो इंसेक्ट थे उनके अंदर मेलानिन की बात होती है, ट्री ट्रंक की बात नहीं है। यहाँ पर देखें, ड्यूरिंग पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड द ट्री ट्रंक बिकम डार्क ड्यू टू मोर मेलानिन, नहीं नहीं, मेलानिन प्रोडक्शन थोड़ी होता ट्रंक में, उसमें तो लाइकेन खत्म हो गया था, इसलिए अंदर की तरफ जो पेड़ का तना था वो नजर आने लग गया, न कि उसमें मेलानिन बना, तो ये गलत हो गया। फिर देखें, इन द अबव फिगर ए द थिक ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट व्हाइट कलर लाइकेन कवर्ड द ट्री, बिल्कुल सही है। यहाँ पर लाइकेन की थिक ग्रोथ है और इसमें लाइकेन की इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है। पहला, दूसरा, चौथा स्टेटमेंट, ये सब एनसीईआरटी में गिवन है, आप लोग देखिए कंपैरिजन करके अच्छा क्वेश्चन यहां पर बनाया हुआ, तो गलत पूछा था, गलत कौन सा हो जाएगा, थर्ड, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन देखें, इन रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, तो डोमिनेंट एलील पी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0.6 है। फिर क्या पूछा है, then what will be the frequency of recessive phenotype, recessive phenotype का मतलब है q square को पूछा है, तो p plus q बराबर 1, तो q का पता कर लो, 1 minus p, तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 minus p की वैल्यू 0.6, तो q आ जाएगा 0.4, तो आप लोग देखें q, सॉरी इसमें अपन लोग वैल्यू रख देते हैं, तो 0.4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.16, ठीक है, डोमिनेंट सॉरी रिसेसिव फेनोटाइप। 49 नंबर क्वेश्चन देखें, सेलेक्ट द करेक्ट इमेज्ड ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू मेंडेलियन डिसऑर्डर, कौन सा मेंडेलियन डिसऑर्डर है जो पॉइंट म्यूटेशन से बने, है ना, एल्बिनिज्म, ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है, रिसेसिव है, गलत हो गया, फिनाइलकेटोन यूरिया ऑटोसोमल रिसेसिव, ये सही है, हीमोफीलिया एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं है, रिसेसिव है, ये गलत हो गया, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं है, डोमिनेंट है, ये गलत हो गया, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। 50 नंबर क्वेश्चन देखें, ए नॉर्मल मैन मैरिज विद ए कैरियर ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, ओके, तो आदमी जो है वो नॉर्मल है और फीमेल जो है वो कलर ब्लाइंडनेस के लिए क्या कैरियर, ए नॉर्मल मैन मैरिज ए वुमेन हु इज कैरियर फॉर कलर ब्लाइंडनेस, ओके, देन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर प्रोजेनी बीइंग कलर ब्लाइंड, उनकी प्रोजेनी में कलर ब्लाइंडनेस का पता करना है, तो देखना एक्स वाई एक्स और ये कलर ब्लाइंडनेस वाला, ये फीमेल गैमेट, ये मेल गैमेट, तो एक्स एक्स नॉर्मल प्रोजेनी, एक्स एक्स नॉर्मल प्रोजेनी लेकिन कैरियर लेकिन है नॉर्मल, एक्स वाई नॉर्मल प्रोजेनी, और ये देखना एक्स वाई और ये देखो 1/4 1/4 1/4 यानी 3/4 मतलब 75% प्रोजेनी तो नॉर्मल है, और ये देखना ये वाली 1/4 या 25% प्रोजेनी जो है उसके अंदर क्या है कलर ब्लाइंडनेस, तो अपना क्या पूछा है प्रोजेनी बीइंग कलर ब्लाइंड, तो ये आंसर हो जाएगा 25% या 1/4। 51 नंबर क्वेश्चन देखें, मैचिंग वाला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग कॉलम विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड सेलेक्ट द करेक्टली मैच्ड ऑप्शन, ठीक है, बी ब्लड ग्रुप है बीजी के लिए और ये एंटीबॉडी के लिए, ठीक है, तो ये देखें ए बी, तो जो आई ए आई बी है ये ए बी ब्लड ग्रुप है और ए बी ब्लड ग्रुप वालों जो हैं उनके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, ये देखो नो एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, और इसको बोला क्या ए बी ब्लड ग्रुप, ये मैच हो गया। फिर ये देखना
आई ए स्मॉल आई ए ब्लड ग्रुप, और जो ए ब्लड ग्रुप वाला है उनके आरबीसी पर केवल ए एंटीजन है, और ये रिलेट हो गया किससे, ए ब्लड ग्रुप से। फिर ये देखना स्मॉल आई इनके आरबीसी पे तो कोई एंटीजन नहीं है, लेकिन प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी है, तो एंटी ए बोथ एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, ये भी एच हो रहा है, और ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा ओ, ये देखो। फिर क्या है आई बी स्मॉल आई, तो ये बी ब्लड ग्रुप है और इसमें आरबीसी में बी एंटीजन है लेकिन प्लाज्मा में एंटी ए एंटीबॉडी है, और इसको मैच कर देते हैं किससे, बी ब्लड ग्रुप से, ये लो। तो ऐसा मैच देखना है, तो ए का और बैठ रहा है बी, ए का बी, ए का बी, ए का बी, और फिर थर्ड ए का बी थर्ड, ए का बी थर्ड, ये रहा। फिर बी का डी, बी का डी, और डी का फोर, ये भी है, ये अपना आंसर हो जाएगा। सी का जो है वो सी और वन, और डी का ए और टू, आंसर हो जाएगा अपना वन। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, ये ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी को रिलेट करके और उनकी जीनोटाइप से रिलेट करके क्वेश्चन था, 11-12 दोनों के कॉन्सेप्ट को मिला करके। 52 नंबर क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू इनकरेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव इवॉल्व ड्यू टू चेंज इन एनवायरमेंट ब्रॉट अबाउट बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, नेचुरल सिलेक्शन वाला ये, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन की वजह से कौन कौन से एग्जाम्पल है या नहीं है, इसमें इनकरेक्ट देखना है। तो इंडस्ट्रियल मिनरलिज्म में ह्यूमन का रोल था, इसमें भी ह्यूमन का है, इसमें भी ह्यूमन का है, लेकिन इसमें ह्यूमन का रोल नहीं था, ये एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के कारण नहीं है, फोर आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, पेडिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या पूछा है, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस अपने को इसमें देखनी है। ठीक है, तो देखें कि वाई लिंक्ड को तो पहले से हम लोग यहाँ से बाहर कर देते हैं, क्योंकि वाई लिंक्ड में मेल में डिसऑर्डर होगा और केवल मेल में ही जाएगा, फादर से सन में ही जाएगा, तो वाई लिंक्ड तो नहीं है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो सकता या नहीं हो सकता, तो देखें एक्स लिंक्ड रिसेसिव में है या नहीं है, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव के केस में है या नहीं, अगर इसको हम लोग चेक करें तो यहाँ पे मदर में डिजीज है, आप लोग देखें एक्स लिंक्ड रिसेसिव अगर है स्मॉल एच तो फिर सन नॉर्मल कैसे हो गया, अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव की शर्त है कि अगर मदर में डिजीज है तो सारे सन डिजीज्ड होंगे, है ना, क्योंकि फादर से तो वाई आया और मदर से नॉर्मल एक्स आएगा तभी तो ये बचेगा, लेकिन मदर में तो डिजीज है, यानी इस पॉइंट से अपने को पता लग गया कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट चेक करते हैं, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के केस में आप लोग देखें कि अगर इस सन में डिजीज है डोमिनेंट के केस में, तो एक्स क्रोमोसोम मदर से आया होगा तो मदर तो नॉर्मल है, इसका मतलब है कि एक्स लिंक डोमिनेंट भी नहीं होगा, क्योंकि अगर सन में डिजीज है तो मदर में भी डिजीज होती, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया, वाई को अपन पहले बार कर चुके हैं, और बच गया क्या, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव देख ले आप लोग, स्मॉल ए एक मिनट रुको जाओ, एक्स लिंक रिसेसिव देख लो आप लोग, सॉरी ऑटोसोमल रिसेसिव चेक कर लो, स्मॉल ए ये कैपिटल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है ना। अब यहाँ देखिए स्मॉल ए कैपिटल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है, फिर यहाँ पर देखें कैपिटल ए स्मॉल ए, इसका मतलब स्मॉल ए, एक स्मॉल ए यहाँ से, एक स्मॉल ए यहाँ से, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये देखो। अब ये सन अफेक्टेड है, इसका मतलब फादर हेटेरोजाइगस है, एक स्मॉल ए यहाँ से, अब इसमें डिजीज है, यानी मदर कैरियर है, है ना, और इसमें डिजीज है, इसका मतलब ये सन भी क्या है, कैरियर है, तो ये देखो ये ऑटोसोमल रिसेसिव परफेक्टली यहाँ पर बैठ रहा है। 54 नंबर क्वेश्चन देखें, इन द इवोल्यूशन ऑफ प्लांट द प्लांट दैट इवोल्व इज डिसेंडेंट ऑफ सिलोपाइटोन एंड एंसेस्टर ऑफ सीड फर्न आर, तो ये तो प्रोजिम्नोस्पर्म है ना, आपको याद होगा क्लोरोफाइट एंसेस्टर, फिर ट्रेक्योफाइट एंसेस्टर, फिर राइनिया टाइप, उसके बाद में क्या था आपका सिलोफाइटोन, और सिलोफाइटोन से प्रोजिम्नोस्पर्म बने थे और उससे फिर सीड फर्न बने थे। तो द इवोल्यूशन ऑफ प्लांट दैट
द प्लांट दैट इवॉल्व एज डिसेंडेंट ऑफ सिलोफाइटोन, है ना, तो सिलोफाइटोन से ही आगे कौन बने थे, प्रोजिम्नोस्पर्म, एंड एंसेस्टर ऑफ सीड फर्न आर प्रोजिम्नोस्पर्म, और ये डिवोनियन के दौरान डोमिनेंट थे, आप लोग एनसीईआरटी में देख लिए उसके अंदर गिवन है। 55 देखें, ऑड वन म्यूटेशन के लिए देखना है, गलत देखना है कि ये एक फिनोमिना है जिसके अंदर डीएनए सीक्वेंस में बदलाव आ जाता है, ये तो सही है। रिलेशनशिप बिटवीन जीन एंड डीएनए आर बेस्ट अंडरस्टूड बाय म्यूटेशन स्टडीज, बिल्कुल परफेक्ट है, डीएनए और जीन जो है उसकी जो स्टडी है वो म्यूटेशन की स्टडी से परफेक्टली हम लोग कर सकते हैं। जीन में अगर कोई बदलाव आता है तो ऐसे में डीएनए में बदलाव आता है ना, और उसका पता म्यूटेशन से अपने को लग जाता है, ये मॉलिक्यूलर वाले चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 6 के अंदर। फिर ये देखें, क्रोमोसोमल एबरेशन आर कॉमनली ऑब्जर्व इन कैंसर सेल, ये भी सही है। फिर ये देखना, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस म्यूटेशन आर्टिफिशियली, नहीं पॉसिबल है किसी भी तरीके से आर्टिफिशियली रेज को डाल करके म्यूटेशन कोज कराया जा सकता है, रोंग पूछा था, ये रोंग हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखें, इवोल्यूशन इज नॉट डायरेक्टेड प्रोसेस इन द सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन कि हमेशा आगे ऐसा ही होगा, ये कहना गलत है, क्योंकि इवोल्यूशन बाई चांस इवेंट इन नेचर एंड बाई चांस म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म, इन दोनों पे डिपेंड करता है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। 57 नंबर क्वेश्चन देखें, इवोल्यूशन इज ए स्टोकेस्टिक प्रोसेस, इट इज बेस्ड ऑन, उसी से रिलेटेड अभी जो मैंने बताया था, बाई चांस इवेंट इन नेचर एंड बाई चांस म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म, तो ओनली चांस इवेंट नहीं, ओनली चांस म्यूटेशन ही, चांस इवेंट इन नेचर एंड चांस म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म, ये अपना यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखें, टॉल पी प्लांट विद राउंड सीड, अच्छा ये वाला है, इसका क्रॉस ड्वार्फ रिंकल्ड से कराया, और F1 जो थी फिर ये F1 आई, फिर क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ ड्वार्फ प्लांट विद रिंकल्ड सीड, तो इससे जो F1 में सेल्फिंग से जो F2 आई, तो आप लोग देखें 9:3:3:1 रेशियो आया था, और इसके अंदर क्या है, ड्वार्फ और व्रिंकल्ड तो यही था, स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, 1/16 व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ ड्वार्फ प्लांट विद व्रिंकल्ड सीड, 1/16, सिंपल सा था। 59 नंबर क्वेश्चन देखें, अपने को इसके अंदर एक ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें मॉर्गन ने जो ड्रोसोफिला पे कई क्रॉस किए थे F2 के अंदर, और क्रॉस ए में पेरेंटल टाइप की पूछी है, क्या पेरेंटल टाइप की पूछी है, लेकिन कैसे होनी चाहिए, रिसेसिव फीमेल, है ना, तो ये तो चलो पेरेंटल टाइप है, लेकिन ये डोमिनेंट हो गई, ये रिकॉम्बिनेंट हो गई, ये रिकॉम्बिनेंट हो गई, ये देखो ये पेरेंटल टाइप की येलो बॉडी एंड वाइट आई शुरुआत वाली, और ये रिसेसिव भी है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड, एनसीईआरटी में गिवन है, आप लोग देख सकते हैं। प्लेसेंटल वॉल्व और तस्मानियन वॉल्व जो है वो एक बड़े जियोग्राफिकल एरिया में दो अलग अलग हैबिटेट पे दो अलग अलग जो एडेप्टिव रेडिएशन होती है उसके अंदर दो मेंबर्स होते हैं, एक प्लेसेंटल मेंबर एक मार्सुपियल मेंबर, और दोनों आपस में पैरेलल इवोल्यूशन या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं, एनसीईआरटी की लाइन है। फिर 61 नंबर क्वेश्चन देखें, वो ट्रेस स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑल थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस इन फ्यू इंसेक्ट, कुछ इंसेक्ट के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान हैंकिंग ने एक्स बॉडीज जो थी उसको देखा था, सेक्स डिटरमिनेशन में लिखा हुआ है। 62 नंबर देखें, इन इंसेक्ट हाफ ऑफ द स्पर्म पोजेज एक्स क्रोमोसोम एंड अलोंग विद ऑटोसोम वाइल हाफ ऑफ द स्पर्म कैरीज, मतलब कुछ इंसेक्ट के अंदर जो है वो मतलब इंसेक्ट की अगर बात करें कुछ इंसेक्ट में तो AA+XX एंड AA+XO, कुछ इंसेक्ट के अंदर मेल जो है वो हेट्रोगेमेटिक होते हैं, तो उनके अंदर जब स्पर्मेटोजेनेसिस होगा तो आधे इंसेक्ट में तो ऑटोसोम के साथ एक्स आ गया और आधे इंसेक्ट के मतलब स्पर्म में एक्स आ गया और आधे के इंसेक्ट के स्पर्म मतलब आधे स्पर्म जो हैं उनके अंदर केवल ऑटोसोम है, एलोसोम है ही नहीं, तो ओनली ऑटोसोम आ जाएगा, तो मेल हेटरोगेमेटिक था इसलिए उसने दो टाइप के गैमेट जो प्रोड्यूस कर दिए। टुडे फॉरवर्ड पर्पस जेनेटिक मैप इज यूज्ड एज ए स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, तो पूरे जीनोम जो है उसकी सीक्वेंसिंग के लिए किया जाता है, ये आप लोग लिंकेज वाला जो पार्ट है वहां पर जेनेटिक्स के अंदर एंड में दिया हुआ है। 64 नंबर क्वेश्चन देखें, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन से दैट स्पॉन्टेनियस जनरेशन ये कहता है कि लाइफ अपने आप जो है वो डिकिंग और रोटिंग जो मैटर है उससे अपने आप
जो बनती है फ्रॉग इंसेक्ट वगैरह अपने आप डेवलप हो जाते हैं, एनसीईआरटी में गिवन है, उसमें लिखा हुआ है। 65 नंबर क्वेश्चन देखें, वो यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर एंड ऑन द सेम क्रोमोसोम एज ए मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन एंड मैप देयर पोजिशन। ये मॉर्गन के जो स्टूडेंट थे अल्फ्रेड स्टुअर्ट इवेंट, उन्होंने दिया था कि जितना उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन है, जैसे 10% रिकॉम्बिनेशन होगा तो वो दूरी हो जाएगी 10 सेंटी मॉर्गन या मैप यूनिट, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन देखें, द टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू रिमेन इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम मे बी डिस्टर्ब्ड बाय हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन। कब डिस्टर्ब हो जाएगी? रैंडम मेटिंग होगी तब तो नहीं होगी डिस्टर्ब, इसे तो मेंटेन रहेगी। लैक ऑफ रैंडम मेटिंग, बिल्कुल, अगर रैंडम मेटिंग नहीं होगी तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। लैक ऑफ माइग्रेशन में, माइग्रेशन के अंदर इक्विलिब्रियम में रहेगा, लैक ऑफ म्यूटेशन से भी इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये तो इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर रहे हैं लेकिन ये मेंटेन नहीं कर रहा। आंसर अपना कौन सा हो जाएगा? सेकंड। 67 नंबर क्वेश्चन देखे, व्हाई मेंडल वर्क रिमेन अनरिकॉग्नाइज टिल 1900, है ना? तो ड्यू टू इजी कम्युनिकेशन इन दोज डेज ना, उन दौरान तो कम्युनिकेशन इजी था ही नहीं, बिकॉज मेंडल वाज एबल टू केयरफुली ऑब्जर्व सेल डिविजन, नहीं माइक्रोस्कोप ही नहीं था। ही प्रोवाइड केमिकल प्रूफ, नहीं उसने प्रोवाइड भी नहीं, उसने कैसा भी प्रूफ फिजिकल वगैरह वो प्रोवाइड किया ही नहीं था फैक्टर की एग्जिस्टेंस के लिए। हिज वर्क वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय कॉन्टेम्पोरीज, मतलब उसके जो समकालिक जो लोग थे उन्होंने उसको वर्क को एक्सेप्ट नहीं किया था, कई कारणों में एक ही ये था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 4। 68 नंबर देखें, जो ओरिजिनल बर्ड थी जो मेले आर के पिलेगो, सॉरी जो गैलापागोस आइलैंड पे आई थी, वो सीड को खाने वाली थी, एनसीईआरटी में गिवन है, डार्विन फिंचेज वाली। 69 नंबर क्वेश्चन देखें, ए परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू जीन इज 30%। आपको मैंने कहा था कि अगर क्रॉसिंग ओवर जो है उसका परसेंटेज 10% है, 20% है, तो उतनी उनके बीच की दूरी होगी, है ना? तो यहाँ पर देखें, देन डिस्टेंस बिटवीन जीन क्रॉसिंग ओवर 30 है, तो 30 सेंटी मॉर्गन जो है वो उनके बीच की फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन देखें, इनकरेक्टली मेज्ड ऑप्शन देख रहे हैं किसके लिए? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो पहला देखें, टू क्रोमोसोम पेयर कैन अलाइन एट मेटाफेज प्लेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। ये तो सही है, इसमें टू क्रोमोसोमल पेयर है, एक ये हो गया, एक पेयर तो ये हो गया और एक पेयर ये हो गया। ये मान लो फर्स्ट पेयर है, ये मान लो सेकेंड पेयर है, ये पैटर्नल मैटर्नल, ये मैटरनल पैटर्नल, पैटर्नल ऊपर भी आ सकता है, पैटर्नल नीचे भी आ सकता है, तो इनका असॉर्टमेंट इन पे डिपेंड नहीं है और इनका इन पे नहीं। पहला तो ठीक है, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम इज पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ जीन। इसके ऊपर जीन भी हैं, जैसे कैपिटल ए कैपिटल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, तो अगर क्रोमोसोम जाएंगे तो जीन भी जाएंगे क्योंकि जीन उनके ऊपर ही है, तो ये भी ठीक है। क्रोमोसोम एंड जीन अकर इन पेयर इन डिप्लोइड सेल, बिल्कुल, डिप्लोइड सेल में वो पेयर में और हैप्लोइड के अंदर वो अनपेयर्ड हो जाएंगे। फिर द टू एलील ऑफ ए जीन पेयर, है ना, टू एलील ऑफ ए जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस साइट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, नहीं, यहाँ पर होमोलोगस साइट आती है, ये देखो, ये देखो, टू एलील ऑफ ए जीन, एक ए जीन है उसके दो एलील हैं, वो होमोलोगस क्रोमोसोम जो है उसकी होमोलोगस साइट पे है, एक जैसे लोकस पे हैं, ऊपर नीचे नहीं है, वो होमोलोगस साइट है, यहाँ पर नॉन होमोलोगस दे दिया इसलिए क्या हो गया, रॉन्ग, ठीक है, आगे चलते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन देखे, व्हेन मोर देन वन अडेप्टिव रेडिएशन अपीयर टू हैव इन एन आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया, एक बड़ा जियोग्राफिकल एरिया है उसमें हैबिटेट वन और हैबिटेट टू में दो अलग अलग अडेप्टिव रेडिएशन हो रही है, अलग अलग अडेप्टिव रेडिएशन, और उसके बाद में कोई दो मेंबर एक जैसा वर्क कर रहे हैं, तो ये पैरेलल इवोल्यूशन है, या इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, जो प्लेसेंट्रल मैमल और मार्सुपियल मैमल के बीच में होता है, तो आंसर हो जाएगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। 72 नंबर क्वेश्चन देखें, मैकेनिज्म ऑफ प्लियोट्रॉफी इन मोस्ट केसेज इज द इफेक्ट ऑफ जीन ऑन व्हाट। प्लियोट्रॉफी की जो मैकेनिज्म है वो एक सिंगल जीन जो है वो अलग अलग मेटाबॉलिक पाथ जो है उस पर उसका इफेक्ट होता है, तो पाथवे विच कंट्रीब्यूट टुवर्ड सेम फिनोटाइप नहीं है, यहाँ पर क्या आएगा, डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड डिफरेंट फिनोटाइप, ये आंसर अपना परफेक्ट हो जाएगा।
डिफरेंट जीनोटाइप नहीं है, वो डिफरेंट फिनोटाइप ही है। फिर देख रहे हैं विच वन इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मेंडेलियन इनहेरिटेंस। ओके, एक्सटर्नली इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्लांट विद जीनोटाइप कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। हाँ, दोनों ही टॉल हैं तो बाहर से देख के उनमें अंतर नहीं कर सकते, उसके लिए टेस्ट क्रॉस करना पड़ेगा, है ना। तो ये तो ठीक है, गलत पूछा है। विद इन द जीनोटाइप पेयर कैपिटल टी स्मॉल टी ओनली वन करेक्टर टॉल इज एक्सप्रेस, ये भी सही है। ड्वार्फ एफ टू प्लांट कॉन्टिन्यू टू जनरेट ड्वार्फ प्लांट इन एफ थ्री एफ फोर, जब लगातार स्मॉल टी स्मॉल टी में सेल्फिंग होगी तो सारे स्टेबल रूप से इनहेरिटेंट होगी, ये भी ठीक है। फिर ये क्या है, टेस्ट क्रॉस इज यूज टू डिटरमाइन द फिनोटाइप ऑफ ए प्लांट। फिनोटाइप नहीं, इसके जगह क्या आएगा, जीनोटाइप। जीनोटाइप कि वो होमोजाइगस है या वो हेट्रोजाइगस, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। 74 देखें, इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन इन ट्रू सेंस वुड हैव स्टार्टेड। ये अपने एनसीईआरटी में इवोल्यूशन के अंदर दिया है कि जब सेलुलर फॉर्म जो है लाइफ की अलग अलग मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी के साथ अर्थ पे ओरिजिनेट हुई, तब वास्तव में इवोल्यूशन जो था वो नेचुरल सिलेक्शन से स्टार्ट हुआ, गिवन एनसीईआरटी में। 75 नंबर क्वेश्चन देखें, ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर वाली, एनसीईआरटी में गिवन है, जिसमें ए वन बाई टू है, एक्स कैपिटल टी है, बी बी वन बाई टू है और वाई स्मॉल टी है। और इसको जब पूरा एक्सपेंड करेंगे तो वन बाई फोर कैपिटल टी वन बाई टू कैपिटल टी स्मॉल टी एंड वन बाई फोर कैपिटल टी सॉरी स्मॉल टी, तो ये अपना परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एनसीईआरटी में गिवन है। 76 नंबर क्वेश्चन देखें, द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेडेड लैंड, सबसे पहले पानी से टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे जो है वो प्लांट आई, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनिमल बाद में आए थे। 77 नंबर क्वेश्चन देखें, विच वन इज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, से दासा है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जीन हो जाएगा। 78 देखें, विच वन इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एलील के लिए, इनकरेक्ट है ना, दे कोड फॉर ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड, सही है, दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिफरेंट जीन, नहीं यहाँ पर आएगा सिमिलर जीन, एलील देखना, ये देखो एलील, ये देखो एक ही जीन की हल्की सी अलग फॉर्म हो सकती है ना, इसलिए ये डिफरेंट जीन के कारण गलत हो गया। दे आर प्रेजेंट एट सिमिलर लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, होमोलोगस क्रोमोजोम में बिल्कुल आमने सामने होगा, ये भी ठीक है, ये गलत हो गया। ये देखना, मल्टीपल एलील कैन बी फाउंड ओनली व्हेन पॉपुलेशन स्टडीज आर मेड, एक जीन के तीन एलील हैं तो इंडिविजुअल में तो दो ही होंगे लेकिन पॉपुलेशन में सारे होंगे, तो ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, सही है, तो गलत पूछा था, टू गलत हो गया। 79 देखें, विच आर टू की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन थ्योरी की, जो दो की कॉन्सेप्ट थे एनसीईआरटी में दिए, नेचुरल सिलेक्शन एंड ब्रांचिंग डिसेंट, ये तो पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन और ये मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। 80 नंबर क्वेश्चन देखें, स्टार सिंथेसिस जो इफेक्टिवली पी प्लांट में होता है, तो देखें कि कैपिटल बी इसमें लार्ज स्टार्च ग्रेन आएंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी इसमें इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन आएंगे, मध्यवर्ती साइज वाले, स्मॉल बी इसमें सबसे छोटे स्टार्च ग्रेन आएंगे, तो इफेक्टिवली स्टार्च ग्रेन किस में बनेगा, कैपिटल बी में, जो प्लियोट्रोपी में भी अपने पढ़ा था। 81 देखें, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो क्या कहता है, इसके रिगार्डिंग पूछा है, तो देखें कि सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ करेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ करेक्टर, यही कहता है। देखें कि ये एक होमोलोगस पेयर हो गया, ये दूसरा होमोलोगस पेयर हो गया, है ना, मान लो ये सेकेंड है और ये वाला फोर्थ है, तो एक करेक्टर, दूसरा करेक्टर, तो इस करेक्टर का सेग्रीगेशन, देखना सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ करेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ करेक्टर, इससे इंडिपेंडेंट है, और यही यहां पर समझाया गया है ना, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में यही तो करते हैं, बाकी तो चेंज किया है। देखो सेग्रीगेशन ऑफ वन करेक्टर नहीं, वन पेयर ऑफ करेक्टर, ये देखो वन पेयर ऑफ करेक्टर है, ये अपना यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा। सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ करेक्टर इज नॉट इंडिपेंडेंट होता है, सेग्रीगेशन ऑफ वन करेक्टर यहाँ पर नॉट लग गया, वन करेक्टर तो है नहीं, वन पेयर ऑफ करेक्टर है, जैसे कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, तो टॉल एंड ड्वार्फ, कैपिटल आर स्मॉल आर, राउंड एंड रिंकल, तो वन पेयर ऑफ करेक्टर, ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। 82 देखें, विच सब्जेक्ट डील विद इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जेनेटिक्स, ठीक है, एनसीईआरटी में गिवन है। 83 देखें, सिंपल क्वेश्चन है, विच वन इज बेसिस ऑफ हेरिडिटी,
देखिए एक जनरेशन से अगली जनरेशन में करेक्टर का ट्रांसमिशन की जो प्रोसेस है वो तो है इनहेरिटेंस, और एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जो करेक्टर जाते हैं वो है हेरिडिटी, और हेरिडिटी जिस प्रोसेस से हो रहा है वो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हेरिडिटी का बेसिस है ना, तो विच वन इज ए बेसिस ऑफ हेरिडिटी? इनहेरिटेंस। ठीक है, 84 देखें, एट विच टाइम हेडवे वॉज मेड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस, के समय वंशागति को समझने के लिए प्रगति भी एनसीईआरटी में गिवन है, दूसरे पन्ने पे जेनेटिक्स के अंदर ड्यूरिंग मिड 19th सेंचुरी। 85 देखें, द डायनासोर डिसेंडेंट फ्रॉम, डायनासोर जो थे वो थिकोडोंट से बने थे, एनसीईआरटी में फिगर के अंदर दे रखा है। ग्रेगर मेंडल जो थे उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था, किस पे किया था? गार्डन पी पे किया था, पाइसम से टाइबम भी इसको कह सकते हैं, ये गलत हो गया, ये ठीक है। और 4 कितने ईयर के लिए? 7 ईयर के लिए, 6 गलत है, 7 ये गलत हो गया, 5 गलत हो गया, आंसर ये बैठ गया। एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा, एनसीईआरटी की लैंग्वेज से बना हुआ है। 87 नंबर देखें, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म इज लिंक्ड विद डार्विनिज्म में ये है कि नई फॉर्म जो है, नई स्पीशीज जो अपीयर होगी वो डिपेंड करेगा उसके लाइफ स्पेन पे, है ना, उसमें कितना जल्दी डिविजन हो रहा है। तो बैक्टीरिया जल्दी इवोल्व होते हैं कंपेयर टू रैबिट, क्योंकि बैक्टीरिया का लाइफ स्पेन रैबिट के कंपेरिजन में कम है। ठीक है, 88 नंबर क्वेश्चन देखें, विच गेव ए ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू द डेटा दैट मेंडल कलेक्टेड, है ना, मेंडल का जो सैंपल साइज था वो काफी बड़ा था, जिसने उसकी डेटा को ज्यादा जो है वो प्रूव किया, विश्वसनीयता दी, है ना। तो अपना आंसर यहाँ पर परफेक्ट कौन सा बैठेगा? 1। और एनसीईआरटी में सब चीजें दी हुई है, आप लोग लाइन टू लाइन पढ़ते जाएं। विच वन अलाउ मेंडल टू सेट अप बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ रूल गवर्निंग इनहेरिटेंस, कि जो प्रिंसिपल उन्होंने डेवलप किए वो किस वजह से वो कर पाए, क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड लिए थे, करेक्टर इन गार्डन थी प्लांट विद टू अपोजिट ट्रेड, इस ने मेंडल को अलाउ किया था अपने जो वंशागति के नियम थे उनको डेवलप करने के लिए। ये भी एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 के अंदर सेकंड पेज पे दिया हुआ है। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन देखें, ए ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट, एक ट्रू ब्रीडिंग लाइन क्या है जो लगातार सेल्फिंग से बने, कई जनरेशन तक स्टेबल रूप से करेक्टर का ट्रांसमिशन करते जाए, होमोजाइगस हो, है ना, अंडरगो डिसकंटिन्यूअस नहीं कॉन्टिन्यूअस होगा लगातार, सो स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस, ये परफेक्ट है, एक्सप्रेशन फॉर फ्यू नहीं मेनी होगा, सो हेटेरोजाइगस नहीं होमोजाइगस होगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। 91 नंबर क्वेश्चन देखे, विच वन इज नॉट ए कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट दैट वाज सिलेक्टेड बाय मेंडल, ठीक है, मेंडल ने 7 करेक्टर लिए थे और हर एक में कॉन्ट्रास्टिंग था, राउंड रिंकल लिया था, येलो ग्रीन सीड लिया था, फुल एंड इन्फ्लेटेड तो एक ही हो गया, फुल इन्फ्लेटेड एक ही है, तो एक फुल इन्फ्लेटेड तो दूसरा कॉन्स्ट्रिक्टेड था, तो ये वाला गलत हो गया, बाकी ये देखना एक्सियल टर्मिनल फ्लावर पोजीशन लिया था, तो आंसर हो जाएगा कौन सा? 3rd। 92 नंबर क्वेश्चन देखें, इज एवोल्यूशन ए प्रोसेस और द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस, एनसीईआरटी में गिवन है, अगर हम लोग इस यूनिवर्स के रिगार्डिंग बात करें इसके इसकी हिस्ट्री की, तब तो यूनिवर्स एवोल्यूशन एक प्रोसेस है, लेकिन इस अर्थ पे लाइफ फॉर्म की हिस्ट्री की अगर बात करें तब वो एक प्रोसेस का रिजल्ट है ना, तो व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ दिस वर्ल्ड वी डिस्क्राइब एवोल्यूशन इज अ प्रोसेस, ऑन द अदर हैंड व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वी ट्रीट एवोल्यूशन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोसेस कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन, ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर परफेक्ट है, एनसीईआरटी में गिवन है। 93 नंबर क्वेश्चन है और जेनेटिक्स का ही है और जीन मॉडिफिकेशन से रिलेटेड है, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस से लिया गया है ना। ओके, करेक्टली मैच देखना है, मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड एलील, मतलब मॉडिफाइड एलील वो है जिसमें म्यूटेशन हो गया है और वो फिर भी एक अनमॉडिफाइड एलील की तरह बिहेव कर रहा है, इसका मतलब वो नॉर्मल एंजाइम बना रहा होगा, है ना, तो नॉर्मल एंड लेस एफिशियंट एंजाइम, तो ए का तो बैठ गया सी। और मॉडिफाइड एलील एक नॉन अनमॉडिफाइड एलील से अलग कब होगा? जब वो एंजाइम नहीं बने या नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाए, तो बी का क्या हो जाएगा? ए एंड स्मॉल बी, है ना, ऐसे ऑप्शन देखो, ए का सी ये रहा और कैपिटल बी का जो है स्मॉल ए स्मॉल बी, अपना आंसर परफेक्ट हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखें, अगेन जेनेटिक्स से है, मैच द फॉलोइंग कॉलम वाला है, नीट में ज्यादातर ऐसे आते हैं, एफ1 इन बिटवीन द टू पेरेंट्स,
तो दोनों के बीच का है तो उसको बोल देंगे क्या, इनकम्प्लीट। तो ए का तो हो जाएगा 4, ए का 4। एफ वन लाइक वन ऑफ इट्स पेरेंट्स डोमिनेंस, बी का 5। एफ वन रिजेंबल बोथ पेरेंट को डोमिनेंस, थर्ड। और फिजिकली एसोसिएशन ऑफ जीन लिंकेज, 1। फिर जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो ऐसा ऑप्शन देखो, ए का 4, ए का 4 ये रहा और ये रहा, बी का 5 ये रहा और ये रहा, सी का 3 ये रहा, डी का 1 ये रहा, ई का 2 ये रहा। आंसर हो जाएगा कौन सा, अपना 3। 95 नंबर क्वेश्चन देखें, ये अपने मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे जो कई डाई हाइब्रिड क्रॉस किए थे उसमें 2 क्रॉस एनसीईआरटी में दिए हैं, क्रॉस है क्रॉस में, है ना। क्रॉस से बॉडी कलर आई कलर के लिए था और क्रॉस भी जो था वो आई कलर और विंग शेप के रेस्पेक्ट में था ना। तो क्रॉस ए जो था येलो बॉडी और व्हाइट आई, मतलब आई कलर बॉडी कलर के लिए, वो उसमें दोनों के जीन एक्स क्रोमोसोम पे पास पास थे तो उसमें पेरेंटल टाइप F2 में ज्यादा बन रहा था, रिकॉम्बिनेंट कम रहा था, है ना। तो क्रॉस ए में ये तो ठीक है लेकिन ये गड़बड़ हो गया, पेरेंटल टाइप ये है रिकॉम्बिनेंट ये है, ये गलत हो गया। क्रॉस ए येलो और व्हाइट ठीक है, येलो बॉडी व्हाइट आई, पेरेंटल टाइप F2 में 98 बना, रिकॉम्बिनेंट ये बना, लिंकेज ज्यादा है, रिकॉम्बिनेशन कम है, यही अपना परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रॉस बी व्हाइट मिनिएचर तो ठीक है और पेरेंटल ये भी ठीक है लेकिन लिंकेज भी ज्यादा और रिकॉम्बिनेशन भी ज्यादा, ये गड़बड़ हो गया ना। फिर क्रॉस बी व्हाइट मिनिएचर ठीक है लेकिन ये वैल्यू वहां पर नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना 2। 96 नंबर क्वेश्चन देखें, ओड वन देखना है अपने को ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर के लिए, सिंगल मेटिंग से वो लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस कर रही है तो सही है, इसमें कई टाइप की हेरिडिटरी वेरिएशन ये भी सही है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है इसमें, मेल छोटा है फीमेल बड़ी है तो वो तो है, ये गलत हो गया इसमें। कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक, ये सही है ना। तो गलत पूछा था, तीसरा गलत हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन देखे, विच वॉज नॉवेल्टी एंड ब्रिलियंट इनसाइट ऑफ डार्विन, है ना, डार्विन की थ्योरी के अंदर ही एनसीईआरटी में दिया और क्या दिया कि वेरिएशन विच आर हेरिटेबल, जो हेरिटेबल हो सकती है और रिसोर्स यूटिलाइजेशन को बेटर करती है कुछ जनरेशन के लिए, कुछ लोगों के लिए, केवल उन्हीं और वही लोग बचते हैं, प्रोजेनी पैदा करते हैं और सेलेक्टेड होते हैं, तो ये एक परफेक्ट लाइन उसके सेलेक्टेड थी। 98, ड्यूरिंग इमेस्कुलेशन प्रोसेस के दौरान जो सेलेक्टेड फीमेल पेरेंटल प्लांट है उसमें एंथर को रिमूव किया जाता है, तो रिमूवल ऑफ एंथर इज डन फ्रॉम सेलेक्टेड मेल नहीं है, रिमूवल ऑफ एंथर इज डन फ्रॉम सेलेक्टेड फीमेल पेरेंटल प्लांट, ये इमेस्कुलेशन के लिए सही वाला है। कार्पल्स को रिमूव करते ही नहीं, स्टिग्मा को भी नहीं करते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, ह्यूगो डिब्रिस जो है उसने म्यूटेशन जो एक्सपेरिमेंट किया था वो इवनिंग प्रिमरोज एक प्लांट या ओइनोथेरा लिमार्कियाना एक प्लांट था उस पर किया था। 100 नंबर क्वेश्चन देखें, इन केस ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस डार्कनेस और लाइटनेस जो है स्किन की किसी इंडिविजुअल में वो कौन डिटरमाइन करता है, बाय द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एलील इन द जीनोटाइप, है ना, हर एक टाइप के जीनो टाइप में जो नंबर ऑफ एलील है वो डिसाइड करते हैं, परफेक्ट हो जाएगा। बाय द नंबर ऑफ ओनली रिसेसिव नहीं है, रिसेसिव भी हो सकता है डोमिनेंट भी हो सकता है, मेनली डोमिनेंट होता है। बाय द नंबर ऑफ ओनली डोमिनेंट टाइप ऑफ एलील इन द जीनो टाइप, ओनली डोमिनेंट भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लाइटनेस डार्कनेस दोनों की बात की गई है। इट इज डिटरमाइंड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर ओनली, नहीं इन्वायरमेंटल फैक्टर तो है ही जीनो टाइप भी है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर अपना 1। 101 देखें, द फिश लाइक जाइंट रेप्टाइल विच एग्जिस्टेड 200 MYA, एक थायोसोरस की बात हो रही है, एनसीईआरटी में गिवन है। 102 देखें, जीनोटाइप दे रखा है फादर का, द जीनोटाइप ऑफ ए फादर एंड डॉटर आर स्मॉल आई, दोनों का ही स्मॉल आई है ना, फादर का भी क्या है स्मॉल आई और डॉटर का भी क्या है स्मॉल आई, ठीक है। तो फिर क्या पूछा, अमंग द ब्लड टाइप ऑफ मदर हाउ मेनी डिफरेंट जीनोटाइप फेनोटाइप पॉसिबल है ना, मदर के लिए पूछा है। तो एक चीज देखो कि अगर मदर में ब्लड ग्रुप ए है तो IA, तो स्मॉल आई यहाँ से आ सकता है, ये तो यहाँ से आ गया। मदर में ब्लड ग्रुप बी है तो वो भी IB स्मॉल आई के कारण, तो स्मॉल आई यहाँ से आ सकता है। मदर
का ब्लड ग्रुप है ओ, तो स्मॉल आई इस केस में भी आ सकता है, यानी मदर में तीन तो फिनोटाइप पॉसिबल है और तीन ही जीनोटाइप पॉसिबल है। ए बी हो सकता है क्या, तुम लोग बताओ? ए बी अगर ले लिया तो फिर स्मॉल आई कहां से लाओगे? तो तीन फिनोटाइप और तीन जीनोटाइप। 102 इस पेडिग्री में सबसे यंग पूछा, आप लोग याद रख रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे, एनसीआर लिखा लेफ्ट टू राइट, एज घटती है, तो ये सबसे यंग है, डी वाला ये सबसे बड़ा है, ये उसके बाद, ये उसके बाद सबसे छोटा ये भाई है, तो सबसे यंगेस्ट पूछा है, तो आंसर हो जाएगा डी, फोर्थ। 104 देखें, ये जो फिगर है इसमें ओनली क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस नहीं है, अगर कोई डिसऑर्डर मदर में है तो सन में भी जा सकता है, डॉटर में भी जा सकता है। जैसे ये देखो कि ये जो एलील डिजीज का, वो डॉटर में भी जा सकता है, सन में भी जा सकता है, ये वाला मदर से डॉटर में भी जा सकता है और सन में भी जा सकता है, यानी ये ऑटोसोमल है। लेकिन अगर ये केवल ऐसे होता, ऐसे, तब ये हम लोग ले सकते थे हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस क्रिस क्रॉस, लेकिन ये तो दोनों तरफ है, इसका मतलब ये पीकेयू ऑटोसोमल हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा। 105 देखें, रॉन्गली मेज्ड पेयर विद रेस्पेक्ट टू ऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रोबेबल टाइम ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, जॉलेस फिश ये ठीक है, लॉफिन ये ठीक है, सीडविड के लिए 400 दिया, सीविड्स के लिए 320 है एनसीईआरटी में, MYA, ये गलत हो गया, इनवर्टिब्रेट 500 MYA, ये तो परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ब्रीफ व्यू में दे रखा है एनसीईआरटी में। जेनेटिक इक्विलिब्रियम रेफर टू फिनोमिना दैट, जेनेटिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि पॉपुलेशन में जितने भी जो जीन और उनके एलील है उनकी टोटल फ्रिक्वेंसी कॉन्स्टेंट रहती है ना, ट्रेट रिमेन, ट्रेट की बात नहीं कर रहे हैं, टोटल जीन फ्रिक्वेंसी रिमेन कॉन्स्टेंट इन ए पॉपुलेशन, ये परफेक्ट हो जाएगा अपना, टोटल जीन की वेरिंग नहीं, वेरिंग तो होगा ही नहीं ना, ट्रेट की वेरिंग वेरिंग नहीं, तो सेकेंड आंसर हो जाएगा। 107 देखें, विंग ऑफ ए बर्ड एंड द विंग ऑफ इंसेक्ट, ये तो एनालोगस है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हो गया है ना, तो फाइलोजेनेटिक स्ट्रक्चर एंड रिप्रेजेंट डाइवर्जेंट नहीं, होमोलोगस नहीं, होमोलोगस नहीं, एनालोगस स्ट्रक्चर है और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हो जाएगा। 108 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर लेमार्किज्म, लेमार्किज्म के रेस्पेक्ट में एनवायरमेंट का इफेक्ट तो है, डिजायर भी है कि मैं चाहूँ कोई विंग्स आ जाए, ऐसा उसमें बताया गया था, यूज एंड डिसयूज भी हैं, लेकिन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस तो डार्विनिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। 109 देखें, अपने को इसके अंदर जो पैलियोजोइक एरा है उसके कुछ पीरियड्स हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो सेट करना है, तो कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलोरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, परमियन, ये परफेक्ट ऑर्डर है एनसीईआरटी में गिवन है। 110 देखें, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड एनिमल रिपीट करेक्टर ऑफ देयर एंसेस्टर, ये लॉ कौन सा था? ये तो बायोजेनेटिक लॉ है ना, अर्नेस्ट हेकल वाला। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, है ना, जेनेटिक ड्रिफ्ट तो नहीं है और नॉट ही पूछा, नेचुरल सिलेक्शन तो है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भी है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस भी है, तो फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा। 112 देखें, सेलेक्ट करेक्ट सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन एंसेस्ट्री, ड्रायोपिथिकस, फिर रामापिथिकस, फिर ऑस्ट्रलोपिथिकस, फिर होमो हैबिलिस, फिर होमो इरेक्टस, है ना, और फिर आपका वो आगे क्रोमैग्नोन के बारे में फिर हम लोग आगे, है ना, तो ड्रायोपिथिकस रामा पहले आ गया, ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रलोपिथिकस और फिर होमो हैबिलिस, ये परफेक्ट हो रहा है, ये होमो हैबिलिस पहले दे दिया, गलत हो गया, ये पहले आता, ये पहले आ गया, ये गलत हो गया, ठीक है, आंसर हो जाएगा सेकेंड। 113 देखें, मैचिंग वाला क्वेश्चन है, हेरी एंसेस्टर वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी, है ना, तो ये तो ड्रायोपिथिकस हो गया, फोर, फर्स्ट ह्यूमन लाइक बींग, है ना, होमिनिड, तो ये होमो हैबिलिस हो गया, फिर फॉसिल ऑफ दिस एंसेस्टर वाज डिस्कवर्ड इन जावा इन 1891, तो ये जावा मेन, जावा मेन, या इसी को क्या बोला है, होमो इरेक्टस, है ना, एक ही बात है ये, है ना, तो होमो इरेक्टस है, तो इसका क्या हो जाएगा, टू, फिर एंसेस्टर लिव्ड नियर ईस्ट सेंट्रल एशिया बिटवीन 1,00,000 to 40,000 ईयर बैक, तो ये कौन था, ये था नियंडरथल, तो इसका हो जाएगा वन, ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन देखें, ए का 4 ये जो बेटर है, बी का 3 ये रहा, सी का 2 ये रहा, और डी का 1 ये रहा, तो आंसर हो जाएगा 2।
114 देखें, ह्यूमन स्कल जो है वो ज्यादा किससे रिजेंबल करती है, इवोल्यूशन केंद्रीय देर का है बेबी चिंपेंजी। 115 देखें, जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ और साउथ और नॉर्थ अमेरिका पास पास आ गए, तो साउथ अमेरिका के जो एनिमल थे उन्होंने नॉर्थ अमेरिका के जो मैमल थे उन्होंने साउथ अमेरिका के जो मैमल थे उन पर कंट्रोल कर लिया था। तो सम ऑफ साउथ अमेरिकन फोना जंतु जो थे, एनिमल थे, वो ओवरराइडन हो गए थे नॉर्थ वालों से। ये भी एनसीएल में दे रखा है। 116 देखें, अर्नेस्ट हेकल जो हैं वो किससे रिलेटेड है, बायोजेनेटिक लॉ या रिकैपिटुलेशन थ्योरी? तो आंसर हो जाएगा 4, एक ही बात है वो। 117 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सपोर्टिंग प्रोसेस फॉर द एवोल्यूशन? एवोल्यूशन के लिए एक सपोर्टिंग प्रोसेस, एवोल्यूशन के लिए सपोर्टिंग प्रोसेस कौन सा नहीं, ये पूछा है। ये तो है, ये भी है, ये भी है, लेकिन मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम नहीं है, ये तो डिस्टर्ब होना चाहिए तब एवोल्यूशन होगा, समझ रहे हो? तो आंसर हो जाएगा 3। 118 देखें, सेलेक्ट द एनिमल विच हैव नॉट इवॉल्व फ्रॉम थिकोडोंट सायरोपसिड एंसेस्टर। उससे डायनासोर भी बने थे, क्रोकोडाइल भी बना था और बर्ड्स भी बने थे, है ना? तो क्रोकोडाइल भी था, बर्ड्स भी थे, डायनासोर भी थे, तो मैमल्स आंसर हो जाएगा। 119 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग अर्ली एटमोस्फेरिक कंडीशन वाज नॉट सिमुलेटेड इन एक्सपेरिमेंट ऑफ एसएल मिलर? मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में कौन कौन सी कंडीशन को क्रिएट नहीं किया था? गैसियस कॉम्बिनेशन तो लिया था, हाई टेम्परेचर भी लिया था 800 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, वॉल्केनिक स्ट्रॉम उसने नहीं लिए थे, है ना? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर लाइटनिंग इलेक्ट्रोड से क्रिएट की थी, लेकिन वॉल्केनिक इरप्शन जैसी कंडीशन उसने क्रिएट नहीं की थी। तो आंसर हो जाएगा 3। 120 देखिए, ये अलग अलग टाइप के सिलेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन था, है ना? ये वाला देखो, तो ये देखो, ये ओरिजिनल ग्राफ है सिलेक्शन के बाद में, ये एक डायरेक्शन मतलब इसके अंदर कर्व पीक जो ऊपर की तरफ बढ़ रही है, स्टेबलाइजिंग हो गया, इसमें एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, ये डायरेक्शनल हो गया, और इसमें दो नो डायरेक्शन में बढ़ रहा है, मीन करेक्टर वैल्यू कम हो रहा है, पेरिफेरल करेक्टर वैल्यू बढ़ रही है, डिसरप्टिव हो गया, डिसरप्टिव, ठीक है? तो इसके लिए जो स्टेटमेंट है वो हम लोग देखते हैं, अगले पन्ने पर दिया है। ए देख लो स्टेबलाइजिंग है, बी डायरेक्शनल है, और सी डिसरप्टिव है। ऐसे में अपने को इसके अंदर क्या पूछा है, इनकरेक्ट देखना है, ठीक है? तो ए तो है स्टेबलाइजिंग, बी है डायरेक्शनल, और सी है डिसरप्टिव, ठीक है? अब देखो इसमें पीक गेट हायर एंड नैरोर, ये तो ठीक है, इसमें पीक एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, इसमें दो पीक बन रहे हैं ना, ये भी ठीक है। स्टेबलाइजिंग सही है, ये सही है, ये सही है। मोर इंडिविजुअल एक्वायर मीन करेक्टर वैल्यू ज्यादा, इसलिए ऊपर बढ़ रहा है। मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन मीन करेक्टर वैल्यू कोई एक, और इसमें पेरिफेरल करेक्टर वैल्यू आ रहा है, ये भी ठीक है। इंडस्ट्रियल मिनरलिज्म डायरेक्शनल का है, और ये वाला स्टेबलाइजिंग का, ये गलत हो गया, बाकी ये वाला परफेक्ट बैठ रहा है, इसलिए यही गलत यहाँ पर हो गया, ठीक है? तो ये कुछ क्वेश्चन थे अपने जेनेटिक्स और इवोल्यूशन से, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन उठाई हुई है, क्वेश्चन बनाए हुए हैं, आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, अगर गलत हुए हैं तो एनसीईआरटी में देखें कहाँ, उसको पढ़ें, मतलब पेपर पास में रखें अगर क्वेश्चन गलत हुआ है, और एनसीईआरटी को ओपन करें, उसमें चेक करें कैसे गलत हुआ, कहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट चेंज किया हुआ, ठीक है? मिलते हैं फिर आगे, आपको पेपर के लिए बेस्ट विशेस, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक।